Hello, 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 everyone. Good morning, good morning. हाँ जी, क्या मुझे फटाफट से आप बता सकते हो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग दीक्षा, हाय गोयल, आओ यार फटाफट से आओ. गुड मॉर्निंग सत्यम, सचिन. राइट, ओके, यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग अपराजिता, गुड मॉर्निंग बुशरा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. जल्दी आओ भाई, फटाफट से आओ, बहुत काम करना है. गोल कह रहे तबीयत को क्या हुआ दोस्त, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है दोस्त. हाय वैशाली, हेलो. यस, गुड मॉर्निंग सौम्या. आई गेस सब बच्चे आ चुके हैं, शुरू करें. यस सर. तो बेटा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से शुरू करते हैं, बाकी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे. हाँ जाओ. देखो, कल हमने चैप्टर शुरू किया था, दैट इज, अरे कौन सा चैप्टर शुरू किया था हमने, पार्टनरशिप अकाउंट्स, राइट? और पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन. कल ही हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे. ये सुनो, पहले हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस करे थे, राइट? बेसिक्स क्या डिस्कस करे थे कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल पार्ट. प्रैक्टिकल पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? प्रैक्टिकल पार्ट में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी हमने सीखा था. अरे बेटा बोलो ना. यस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हमारे नोट्स हैं, राइट? ठीक है. इसके बाद हमने सीखा कि भाई जर्नल एंट्रीज क्या होती है. अगर आपको लेट्स से किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सब की जर्नल एंट्रीज क्या होती है. और साथ साथ हमने ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सीख लिया था. कुछ एग्जांपल्स हमने करे थे, ऑफ कोर्स जो आपके बुक में तीन चार एग्जांपल्स दे रखे हैं वो हमने करे थे. आज हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी चैप्टर आज हम कंप्लीट कर दें, सो दैट कल इस चैप्टर पे फुल स्टॉप लग जाए. ठीक है? कल के बाद मतलब हमारी इस चैप्टर को कंप्लीट करने की एंड डेट कल है, राइट? हो सकता है आज भी खत्म हो जाए, लेकिन देखते हैं. आ जाओ फटाफट से, आ जाओ, शुरू करें बेटा. एवरीबडी रेडी? हाँ सर, रेडी रेडी रेडी. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो देखो, हमने कल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो सीख लिया. अभी हम जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कैपिटल अकाउंट. हम सबसे पहले जो टॉपिक आज पढ़ेंगे दैट इज कैपिटल अकाउंट. अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो एवरीबडी, बेटा एवरीबडी, विवेक आ जाएगी बेटा आज, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सारे बच्चे सुनेंगे. अब जो कैपिटल अकाउंट है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों? ध्यान से सुनो, आपके पार्टनरशिप में जितने भी चैप्टर्स हैं, सर कितने चैप्टर्स हैं? अराउंड 5 चैप्टर्स हैं जहाँ तक मुझे याद है. इंट्रोडक्शन, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में ये टॉपिक कॉमन है. क्या है सर? कॉमन. तो बेटा ये टॉपिक मैं वहां पर दोबारा से नहीं कराऊंगा, आपको कैपिटल अकाउंट यहीं पर सिखा दूंगा. ऑल राइट, ओके एवरीबडी. ठीक है, वॉइस कम आ रही है बेटा, शायद मेरी आवाज़ कम हो गई होगी. एक सेकेंड, एक सेकेंड. एक बार बेटा अपना फोन चेक कर लो, आपके फोन में आवाज़ तो कम नहीं है? ठीक है, ओके. माइक आई थिंक मैं पास ले आया अपने. हाँ जी, सही आ रही है गोयल, अब ठीक है? ओके, आओ बेटा फटाफट से मेरी बात सुनेंगे, सारे बच्चे मेरी बात सुनो. कैपिटल अकाउंट बहुत ही लॉजिकल तरीके से इसको समझेंगे ताकि एक ही बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए. तो सुनो, कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है. जो भी आपके पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होते हैं, क्या होते हैं? पार्टनरशिप फर्म के जो भी पार्टनर्स होते हैं, इनका जो अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में ओपन होता है, इनका जो अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में ओपन होता है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट. मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सब किसके थ्रू होंगी? सर कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगी, राइट? अब अगर देखो मैं आपसे पूछूं कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, एवरीबडी, कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एसेट या लाइबिलिटी? बेटा फटाफट से मुझे आंसर देंगे, ठीक है? मस्त तरीके से चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज. बताओ मुझे फटाफट से, कैपिटल अकाउंट क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है? सर लाइबिलिटी है. क्या है? लाइबिलिटी है. क्यों भाई साहब? सुनो, ये क्या है, पार्टनर ने जो पैसा पार्टनरशिप फर्म से लेना है. कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया हुआ है, या फिर आप ये बोल सकते हो ये अमाउंट जो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को देना है, दैट्स कैपिटल अकाउंट. यस, तो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है. और लाइबिलिटी का एक सिंपल सा रूल होता है. क्या रूल होता है सर? जब भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी
तो आप क्या करोगे सर, क्रेडिट करोगे, और जब भी आपकी लाइब्रेरी डिक्रीज होगी आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। सिंपल से रूल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिंपल से रूल है, मतलब जब भी कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, जब भी मेरे कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा क्रेडिट करना है, डिक्रीज होगा डेबिट करना है, एज सिंपल एज दैट। सही बात है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट बात है, राइट। इतनी बात सबको समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं सर कैपिटल अकाउंट को, तरीके कितने होते हैं सर? दो तरीके होते हैं, सुनो बेटा सुनो। सबसे पहला तरीका है आपका फिक्स्ड मेथड, क्या है सर? फिक्स्ड मेथड। और दूसरा तरीका क्या है सर? फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड, यस। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे एक ही बारी में। सुनो सर, फिक्स्ड मेथड का मतलब क्या है? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में ट्रांजेक्शन किस किस टाइप की होती है? देखो मान लो ये एक पार्टनर है, अच्छा ठीक है, पार्टनर का नाम क्या है सर? लेट्स से पार्टनर का नाम है दीक्षा। पार्टनर का नाम क्या है? पार्टनर का नाम है दीक्षा। ये हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है। कौन है सर? हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है। हाँ, कैसी कैसी ट्रांजेक्शन होती है? सबसे पहली ट्रांजेक्शन होती है जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है सर? इन्वेस्टमेंट करता है। 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें, क्या करें? 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें। हाँ सर, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें। क्या सारे बच्चे मुझे बताएंगे इसकी एंट्री क्या होगी? सर हमें अकाउंटिंग करनी है पार्टनरशिप फर्म की। किसकी पार्टनरशिप फर्म की? पार्टनरशिप फर्म में पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा पार्टनरशिप फर्म में पैसे आए हैं तो 1 लाख रुपीज आपने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, यस। अब ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो टू दीक्षास कैपिटल अकाउंट, दीक्षास कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हाँ बहुत ज्यादा सिंपल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये क्या है सर? ये वो अमाउंट है जो पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, राइट। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन। क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन, सही बात है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, लेट्स से सुनो ना सुनो ना, लेट्स से पार्टनरशिप फर्म ने दीक्षा को सैलरी पे करनी है। क्या पे करनी है? सैलरी। कितने की? 10,000 रुपीज की। कितने की पे करनी है? 10,000 रुपीज की। यस 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 एवरीबडी, 10,000 रुपीज की सैलरी पे करनी है। अब क्या एंट्री करेंगे? अरे मुझे बताओ बेटा, कल सीखा हमने, अगर पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी पे करनी है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। और ये एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सही बोल रहा हूँ? ये एक्सपेंस आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। यस 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 यस, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट कर दिया। हाँ हमने डेबिट कर दिया, एक्सपेंस है। किसको पे करना है? दीक्षा को। अगेन लाइबिलिटी है, कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। दीक्षा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सिंपल ट्रांजेक्शन, 10,000 रुपीज। अब ध्यान से सुनो, पहली दो ट्रांजेक्शन में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। सुच्ची बेटा, आप कैश या बैंक में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सुनो बेटा, पहली ट्रांजेक्शन क्या है सर? पहली ट्रांजेक्शन है आपकी इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन। अरे क्या है सर? इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन मतलब सर पार्टनर ने जो पैसे इन्वेस्ट करे थे, करेक्ट है? हाँ। और सेकेंड ट्रांजेक्शन को मैं क्या बोलता हूँ? एडजस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन, मतलब ये वो अमाउंट है जो पार्टनर को रिसीव होना है क्योंकि उसने कुछ काम किया है। क्या किया? कुछ काम। तो एक वो ट्रांजेक्शन होती है जो इन्वेस्टमेंट वाली होती है, मतलब सर पार्टनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया। क्या किया? पार्टनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया, सही बात है, ऑफ कोर्स सही बात है। दूसरी क्या है कि जैसे प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी एडजस्टमेंट्स है। मतलब कि भाई आप काम कर रहे हो तो आपको ये पैसा मिल रहा है, काम कर रहे हो तो पैसा मिल रहा है, ये आपने पैसा इन्वेस्ट किया, दैट इज इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, दोनों ही कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है। हाँ क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, दोनों ही पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, सही बात है। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको यहां तक समझ में आया। देखो मैंने आपको बहुत बेसिक बात बताई है, जब मैं फिक्स्ड मेथड बनाता हूं, क्या बनाता हूं? फिक्स्ड मेथड। जब मैं अपने कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से बनाता हूं तो वहां पे क्या बोलता है? वो वहां पे बोलता है कि आपको अपनी कैपिटल को फिक्स रखना है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है कि भाई फिक्स्ड मेथड का मतलब ये है, फिक्स्ड मेथड का मतलब ये है कि भाई आपकी जो कैपिटल है, यहां पे कैपिटल का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट।
यहां पे कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट वो आपकी फिक्स रहेगी। मतलब सर, मतलब यहां पे जो कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे फिक्स जो मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे वो फिक्स रहता है। फिक्स रहने का मतलब ये है बेटा, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ध्यान से मेरी बात सुनो, अरे ध्यान से मेरी सारे बच्चे बात सुनो, पार्टनर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, यहां पे इन्वेस्टमेंट हुई है हाँ, क्या ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज होता रहता है? नहीं। मतलब सर, मतलब ये बेटा सुनो, इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन का मतलब है आपने पार्टनरशिप फर्म में कुछ पैसा लगाया या पार्टनरशिप फर्म से कुछ पैसा निकाला। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ये मान लो आपका क्या है सर, इन्वेस्टमेंट, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स है हाँ, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना ये रेगुलरली चेंज नहीं होती है। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख रुपए लगा दिए तो ऐसा थोड़ी है कि अगले महीने भी आप कुछ पैसा लगाओगे। जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं होता। क्या नहीं होता सर? जरूरी नहीं होता, राइट। लेकिन जो ये एडजस्टमेंट्स होती है, क्या होती है एडजस्टमेंट्स, मतलब जो पार्टनर को पैसे मिलने हैं सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपकी फ्रीक्वेंटली होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंटली। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, जब हम फिक्स्ड मेथड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। क्या करते हैं? दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करंट। क्यों बनाते हैं सर? अगर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शंस अलग से रिकॉर्ड करनी है, ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है तो दोनों क्या ही है, तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट बेटा है तो क्या सर, है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट। बस आप क्या कर रहे हो, आप उन ट्रांजेक्शंस को बाइफरकेट कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। कैसे? कि भाई जो इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन होगी वो कैपिटल अकाउंट में दिखाऊंगा, जो एडजस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन होगी वो करंट अकाउंट में दिखाऊंगा। बात समझो थोड़ा थोड़ा, मैंने क्या बोला कि भाई हम यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप क्या कर रहे हो, कैपिटल की ट्रांजेक्शंस को बाइफरकेट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करी है, आपने पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया वो आप यहां पे रिकॉर्ड करो, या आपने पार्टनरशिप फर्म से जो पैसा निकाला वो आप यहां पे रिकॉर्ड करो। बस बात समझ रहे हो? अगर पार्टनर सिर्फ ये देखना चाहता है, पार्टनर सिर्फ ये देखना चाहता है कि भाई उसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया कितना है, उसके लिए वो क्या करता है, फिक्स्ड मेथड प्रिपेयर करता है। क्या करता है सर? फिक्स्ड मेथड प्रिपेयर करता है, जिसमें उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन आती है, इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन, बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं वो सब कहाँ पे आती है सर, करंट अकाउंट में। जस्ट जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपकी सैलरी, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, ये सब कुछ कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में। सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन कहाँ पे आएगी, कैपिटल अकाउंट में। क्या आपको समझ में आ रहा है? तुषार बेटा मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर फिक्स्ड मेथड से आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, तो बेटा फिक्स्ड मेथड में तो दो अकाउंट बनते हैं ना, आप एक अकाउंट में कैसे डाल सकते हो, नहीं डाल सकते ना। हाँ। अरे क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? हेलो, हाँ जी, यस सर, बहुत ही सिंपल है बेटा। ये सब चीज़ें ना इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी है इस बार, मतलब आपकी मटेरियल में, तो 12th में अगर आप पढ़ कर आए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बनता कैसे है सर, बनता कैसे है? चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकेंड मेथड कौन सा होता है? अरे सुनो मेरी बात, सेकेंड मेथड कौन सा होता है सर? फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड होता है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहता है हाँ। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या है, आप यहां पे एक ही अकाउंट बनाते हो, कैपिटल अकाउंट। आप यहां पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट, और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी आप कैपिटल अकाउंट में डालोगे। इसको फ्लक्चुएटिंग क्यों बोला है? क्योंकि बेटा ये बार बार चेंज होता रहेगा। अरे आपका कैपिटल का बैलेंस है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी, तो चेंज होता रहेगा ना, हाँ इसलिए इसको बोला, क्या बोला, फ्लक्चुएटिंग। यहाँ पे जो आपका कैपिटल अकाउंट है ये बार बार चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको बोला फिक्स्ड मेथड। क्या बोला? फिक्स्ड मेथड। क्या आपको दोनों का मीनिंग समझ में आ गया? कि भाई देखो सिंपल सी बात है, मेरे पार्टनर्स की जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको मैं अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर सकता हूँ।
दो तरीके हैं, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड मेथड की बात करेंगे तो वहां पे पार्टनर्स के ट्रांजेक्शंस दो अलग अलग अकाउंट में जाएगी। पहला अकाउंट हमारा कौन सा है सर? कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी करंट अकाउंट में, ठीक है। और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड, सारी ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में, दैट इज कैपिटल अकाउंट। सिंपल, एवरीबडी यहां तक क्लियर है? हाँ। अब देखो अकाउंट बनता कैसे है, आ जाओ। अरे क्या शुरू करें हम? हाँ सर हाँ, तो आ जाओ बेटा, देखते हैं फटाफट से अकाउंट कैसे बनेगा। बहुत ही आसान है। अगर मैं पहले बात करूंगा फिक्स्ड मेथड की, किसकी बात करता हूँ? फिक्स्ड मेथड की। हाँ, तो फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनेंगे सर, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक आपका क्या बनेगा सर? कैपिटल अकाउंट। हाँ दीक्षा बेटा, अगर पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी ना, बात तो सारी यही है। जो उसने इन्वेस्ट करी है बेटा, जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है, आप खुद लिख रहे हो ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करी है, इन्वेस्टमेंट है ना, कहाँ जाएगी कैपिटल में, करंट में क्यों आएगी? बात समझ रहे हो? जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो यहाँ पे आएगी ना। ओके, आप फटाफट से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसका फॉर्मेट बहुत आसान है, जैसे किसी भी लेजर का फॉर्मेट होता है वैसे ही इसका फॉर्मेट है। देखो सबसे पहले डेट, ओके, सबसे पहले डेट, यस सर, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, ठीक है, और फिर अमाउंट, बस यही फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। यहाँ आपने डेट लिखा, ऑल राइट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट बन गया। हाँ जी बन गया, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, क्लियर? हाँ सर हाँ क्लियर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आएगी इन्वेस्टमेंट वाली, सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ जी यहाँ पे आपकी क्या आएगी सर? इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन्स आएगी। अरे क्या आएगी बेटा, गर्म पानी ही पीता हूँ मैं, आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगर क्वेश्चन में मेंशन, हाँ बेटा वो मैं बताऊँगा दीक्षा, मैं आपको बताऊँगा बेटा, आपको बताऊँगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन आपकी कहाँ पे आएगी सर? कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में। अब इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? जब पार्टनर कुछ पैसे इन्वेस्ट करेगा, क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। आपको पता है, सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या बता दिया कि जब भी कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। अगर पार्टनर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है ना, यस नो? आपने मुझे बताया एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यही होगी। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंपली लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, जो भी आपकी डेट होगी, बाय बैंक अकाउंट, और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, यस नो? जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो आप कहाँ लिख दोगे? क्रेडिट साइड पे, राइट एवरीवन? यहां तक क्लियर है बेटा? बोलो फटाफट से, यहां तक क्लियर है? हाँ। और इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है? मान लो ये कब है, मान लो 1 अप्रैल 2019, सर कब है? 1 अप्रैल 2019, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ ना, अरे मुझे एक बात बताओ, अब मान लो इसी पैसों में से अगर पार्टनर पैसे विड्रॉ कर लेता है, मैंने क्या बोला, अगर इस अमाउंट में से 1 लाख रुपीस में से अगर कुछ विड्रॉ कर लेगा, क्या वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा? हाँ बेटा, क्योंकि उसने क्या करी है, अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी। अरे मेरी बात सुनो सर, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट में से कुछ अमाउंट क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। अब सब बच्चे क्या बोल रहे हैं? ड्रॉइंग्स। बेटा एक्चुअली में उसको ड्रॉइंग्स नहीं बोलते। अब सुनो मेरी बात, क्योंकि आपने यहाँ पे वर्ड लिखा ड्रॉइंग्स, सुनो मेरी बात ध्यान से, आप क्या लिख रहे हो सर? ड्रॉइंग्स, है ना? अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो बेटा, ड्रॉइंग्स जो है ना वो एक्चुअली दो टाइप की होती है सर। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्या लिखूंगा मैं? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और एक होती है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट या आउट ऑफ प्रॉफिट, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो,
आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या मतलब होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल? सर दोबारा बताओ, सुनो मेरी बात। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है पार्टनर्स ने जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में जो भी पैसे इन्वेस्ट करे हैं, अगर वो उसी में से पैसे निकाले। बात समझ रहे हो? मैंने क्या बोला कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दीक्षा ने क्या किया था, दीक्षा ने पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे थे, है ना? 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे थे, हाँ। अगर वो 1 लाख रुपीज में से ही कुछ विड्रॉ कर लेती है, ऑफ कोर्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बात समझ में आ रही है? हाँ सर हाँ। आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है बेटा? जब वो पार्टनरशिप फर्म के पैसों में से विड्रॉ करती है। सर मतलब देखो, अरे देखो देखो देखो, ये दीक्षा है, हाँ जी, ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है। क्या है सर? ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक तो आपने क्या कर रखा है सर, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखे, हाँ। आप उसमें से पैसे नहीं निकाल रहे हो, ये क्या है? फर्म है, फर्म है, हाँ सर हाँ। क्या है सर? फर्म है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, पार्टनरशिप फर्म जो है बिजनेस कर रही है, अब बिजनेस कर रही है तो कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। अरे पार्टनरशिप फर्म के पास भी तो अपना पैसा होता है, हाँ या ना बेटा? अरे पार्टनरशिप फर्म के पास अपना पैसा नहीं होता क्या? होता है सर, होता है, अपना पैसा भी होता है बेटा। अगर दीक्षा उस पैसों में से, पार्टनरशिप फर्म के पैसों में से विड्रॉ करती है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। दोनों में डिफरेंस समझो। डिफरेंस क्या हुआ? आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कि भाई पार्टनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसी में से अगर वो विड्रॉ कर रहा है, दैट इज आउट ऑफ कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, राइट सर। सर तो इससे प्रॉफिट में शेयर भी कम हो जाएगा, हाँ आकाश, ऑफ कोर्स वो हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या हुआ सर, कि जो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये है पार्टनर ने, सुनो मेरी बात, बहुत ही सिंपल तरीका, पार्टनर ने अपने पैसों में से विड्रॉ किया, अपने इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ किया। अच्छा ठीक है, क्या किया? अपने पैसों में से विड्रॉ किया। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा पार्टनरशिप फर्म के पैसों में से विड्रॉ किया, पार्टनरशिप फर्म का है अभी वो, ठीक है, अभी आपका नहीं हुआ था। देखो मान लो जो पार्टनरशिप फर्म है जो भी प्रॉफिट कमाती है, अब आपके दिमाग में आ सकता है, क्या आ सकता है सर? जो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म कमाती है वो इवेंचुअली होता तो पार्टनर्स का ही है। अरे वो डिस्ट्रीब्यूट तो पार्टनर्स में ही होता है बेटा, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन साल के एंड में होता है ना। अरे वो तो साल के एंड में होता है। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से पैसे ले रहा है ड्यूरिंग द ईयर, क्या ले रहा है? ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में, तो बेटा वो तो अभी पार्टनरशिप फर्म का ही है ना। बात समझ रहे हो? अभी तो आपका नहीं था, हाँ। तो पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ किया, पार्टनरशिप फर्म के पैसों में से विड्रॉ किया, दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या दोनों का मीनिंग सबको क्लियर है? एवरीबडी मुझे फटाफट से बताओ, क्या दोनों का मीनिंग क्लियर है? हाँ सर हाँ, पक्का बेटा पक्का, यस सर। चलो लगे हाथ मुझे एक बात बताओ, अरे यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, सुनो। मुझे एक बात बताओगे क्या? मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देनी होती है भाई? अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है, क्या करता है बेटा? अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है उसको इंटरेस्ट देना होता है, हाँ। तो बेटा अब थोड़ा सोच समझ के मुझे बताओ, क्या पार्टनर को दोनों ही ड्राइंग्स पे, दोनों ही टाइप ऑफ ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सर है तो दोनों ड्राइंग्स, हाँ बेटा है तो दोनों ड्राइंग्स, क्या दोनों पे ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? मुझे बताओ, पार्टनर ने पैसे विड्रॉ करे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोनों पे? सत्यम ऑफ कोर्स चेंज होगा ना बेटा? कृष्णा ने बोला नो। अरे आप अगर नो बोल रहे हो तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हो सर, ये जो आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, क्या है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इस पे इंटरेस्ट नहीं देना होता, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इस पे इंटरेस्ट नहीं देना होता। सर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है बेटा? अगर मैं अपने ही पैसों में से विड्रॉ कर रहा हूं, हाँ या ना, अगर मैं अपने ही पैसों में से विड्रॉ करूंगा तो इंटरेस्ट क्यों दूंगा? अरे ये तो मेरा खुद का पैसा है ना, हाँ सही बात है, खुद के पैसे है, राइट। लेकिन इस ड्रॉइंग्स पे, आउट ऑफ प्रॉफिट पे मुझे इंटरेस्ट देना होता है, राइट? बात समझ में आ गई सबको? तो जब भी मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूँ तो कौन से ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूँ? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट।
तो अगर क्वेश्चन में बेटा सुनो मेरी बात, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, बेटा क्या लिखा है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, तो बेटा ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इसका मतलब ये कौन सी ड्रॉइंग्स है, आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या है सर, आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, अगर सिर्फ ड्रॉइंग्स लिखा है तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट है। आउट ऑफ कैपिटल के लिए नॉर्मली कौन सा वर्ड यूज होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, नॉर्मली जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो हमने यहाँ पे ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। आ जाओ फटाफट से दोबारा से कैपिटल अकाउंट में। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, अब पार्टनर जब पैसे विड्रॉ करेगा, मुझे बताओ ना, पैसे विड्रॉ करेगा, अगर मुझे बताओ सोच समझ के, अगर मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ बेटा, क्या बना रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट, मैंने क्या बोला, सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन, कौन सी ट्रांजेक्शन, सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली, मुझे बताओ यहां पे फिक्स्ड मेथड के कैपिटल अकाउंट में आप कौन सी ड्रॉइंग्स लिखोगे, अरे बोलो ना एवरीवन, मुझे फटाफट से बताओ आप कौन सी ड्रॉइंग्स लिखोगे, आउट ऑफ कैपिटल वाली या आउट ऑफ प्रॉफिट वाली या दोनों, बताओ बताओ बताओ। सर आउट ऑफ कैपिटल वाली, सर ऐसा क्यों, आउट ऑफ कैपिटल वाली क्यों, क्योंकि बेटा आपने अपनी इन्वेस्टमेंट से ही पैसा विड्रॉ किया है, आपने क्या किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ किया है, हाँ राइट, तो हमें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन लिखनी है, करेक्ट है। और मुझे बताओ कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड ऑफ कोर्स। सर अगर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, अगर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो एंट्री क्या होती है, अगर आप पैसे को विड्रॉ करोगे तो एंट्री क्या होगी सर, आपका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। सर अगर आपने विड्रॉ करा तो कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तो आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू पार्टनरशिप फॉर्म के पैसे चले गए टू बैंक अकाउंट। बेटा देखो अगर आपने पैसे विड्रॉ कर लिए तो भाई पार्टनरशिप फॉर्म की लाइबिलिटी कम हो गई, सही बात है, और पार्टनरशिप फॉर्म का बैंक बैलेंस भी कम हो गया। हाँ बात समझ में आ गई, हाँ सर हाँ ठीक है। देखो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये क्या है सर, विड्रॉल, मान लो 20,000, कितना है सर 20,000, बात समझ में आती है। हाँ अब बेटा सुनो मेरी बात, अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कुछ और पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल, पैसा इन्वेस्ट करेगा तो अगेन दोबारा कहाँ लिखेंगे सर, अगेन हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट, क्या होगा सर, बाय बैंक अकाउंट, सही बात है। सर अगर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो क्या लिखेंगे, ऑफकोर्स बाय बैंक अकाउंट, सिंपल सी बात है राइट। तो बेटा कई बार क्या होगा, सुनो यहां तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब जब ईयर आपका एंड होगा, क्या होगा, ईयर एंड होगा, ईयर एंड होगा सर, देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, ये आ रहा है 1,50,000, हाँ जी, और यहाँ 20 आ रहा है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया, 1,30,000, आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया सर, 1,30,000, हाँ सर हाँ। अब अगले साल क्या होगा सर, अगले साल ये ओपनिंग बन जाएगा आपका, अगले साल ये क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या बन जाएगा सर, ओपनिंग बैलेंस 1,30,000। तो बेटा ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि अभी पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म में 1,30,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं, हाँ या ना, इसका मतलब यही है। क्या आप सबको कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया एवरीबडी बेटा क्या आपको कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया, मुझे प्लीज बताओ ना, क्लियर है बिल्कुल, यस सर क्लियर, ऑल राइट ऑल राइट। अब एक बार मैं आपको करंट अकाउंट भी दिखा देता हूँ, आ जाओ सर एक बार हम करंट अकाउंट भी देख लेते हैं, आ जाओ पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। अब करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन आनी है सर, करंट अकाउंट में बेटा आपकी ट्रांजेक्शंस कौन सी आएंगी जो आपके कैपिटल अकाउंट में नहीं आती, कौन सी एडजस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शंस, आ जाओ फॉर्मेट सेम रहेगा, हाँ सर फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, सारे बच्चे मेरे साथ बनाएंगे बेटा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, है ना, मेरे साथ बनाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कंप्लीट करेंगे ठीक है। रजनीश राधे राधे बेटा, राधे राधे, आ जाओ ठीक है, हाँ सैलरी कमीशन एडजस्टमेंट्स वाली, बिल्कुल सही
सारे बच्चे फॉर्मेट बना लो, आई होप आपका बन चुका होगा। मुझे फॉर्मेट बनाने में यहाँ पे टाइम लगता है क्योंकि लाइन्स सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। देखो हाँ सर, हाँ ये हमारा फॉर्मेट है सर, ये हमारा फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स और रुपीस। अब मेरी बात सुनो अगेन बेटा, ये है तो कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट ना, पार्टनर्स को पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ सेम रूल है, जब भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। सर मतलब बेटा ये, जब भी पार्टनर को कुछ मिलना है, जैसे कि सर जैसे कि सैलरी, हाँ सर हाँ, और सर और जैसे कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, अगर आपको प्रॉफिट मिलना है PNL अप्रोप्रिएशन, तो अगर आपको कुछ भी मिलना है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी लेना है, वो सब कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। इसकी जर्नल क्या होगी सर, देखो बेटा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आ जाओ सर। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, सुनो मेरी बात ध्यान से सर। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कुछ भी देना होता है तो PNL अप्रोप्रिएशन डेबिट, यस नो एवरीबडी, आपको क्या करना है सर, PNL अप्रोप्रिएशन डेबिट करना है और पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट करना है। बस ये चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, अगर आप फिक्स्ड मेथड से अकाउंटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, फिक्स्ड मेथड से, और आपको कुछ सैलरी देनी है, कमीशन देना है, कुछ भी देना है, तो यहां पे क्या आएगा सर, पार्टनर्स का करंट अकाउंट आएगा, क्या आएगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या हो रहा है सर, ऑफकोर्स क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पे बस आपको क्या लिखना है, सुनो मेरी बात सर, कैसे लिखेंगे, देखो बहुत आसान है। अगर आपको जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो क्या लिखोगे, बाय PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली सैलरी है तो ब्रैकेट में सैलरी, बस बात समझ में आई, हाँ सर हाँ। और अब मुझे बात बताओ, अगर पार्टनर कोई ड्रॉइंग करता है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, सुनो ना बेटा, अगर पार्टनर ने कोई ड्रॉइंग्स करी, हमने ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कहाँ लिखी है, आपके फिक्स्ड मेथड के कैपिटल अकाउंट में, ये सुनो, बिल्कुल सर बिल्कुल राइट, ठीक है, अभी मेरी बात सुनो। अब उसके बाद अगर पार्टनर ड्रॉइंग्स करेगा, कौन सी बेटा, कौन सी, आउट ऑफ प्रॉफिट कोई ड्रॉइंग्स करेगा, तो वो आप कहाँ लिखोगे, करंट अकाउंट में, ये सुनो, मैंने क्या बोला, कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन आ रही है उसके अलावा सारी की सारी ट्रांजेक्शन आप कहाँ लिखते हो बेटा, करंट अकाउंट में, हाँ या ना एवरीबडी, हाँ सर हाँ। तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई, ड्रॉइंग्स, कौन सी ड्रॉइंग्स, आउट ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सही राइट। अगर पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना है, अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर पे करना है टू PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट सर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना है ना, देखो सिंपल है, आपको बस क्या देखना है, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे पार्टनर का अकाउंट इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज होगा डेबिट साइड पे, सही बात है। अब यहां अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना होता है राइट, तो ये आपका गेन कहां आएगा, डेबिट साइड पे, कहां आएगा सर, डेबिट साइड पे। आपको जर्नल में पहले ही करा चुका हूं, जर्नल एंट्री क्या होती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, तो PNL अप्रोप्रिएशन क्या होता है सर, आपका होता है क्रेडिट, क्या होता है, क्रेडिट, और क्योंकि पार्टनर ने पे करना है तो पार्टनर का करंट अकाउंट होगा डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बस यही करना है। उसके बाद आप क्या करोगे सर, उसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, और बैलेंस आपको निकालना आता है जहां पे भी आपका बैलेंस आ रहा होगा वहां पे हम लिख देंगे। बेटा मुझे एक बार फटाफट से बताओ कि आपको समझ में आया, एवरीबडी सर आपकी लाइव क्लासेस का टाइम क्या है और टॉपिक भी डे वाइज, प्लीज आंसर इन द एंड ऑफ द टॉपिक, आई नो। रजनीश बेटा लाइव क्लासेस का टाइम मैं ग्रुप पे अपडेट करता हूँ, एक हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, समझ आ गया। तुषार कौन सा टॉपिक भाई, कौन सा टॉपिक रिपीट करना है, हाँ यार बेटा कौन सा टॉपिक आपको रिपीट करना है बताओ, बेटा मैंने आपको क्या बताया, यही बेटा यही, कौन सा, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर लिए ना, अब सारा का सारा तो रिपीट नहीं करना होगा ना,
तुषार कौन सा टॉपिक बेटा, फटाफट से बोलो, नहीं तो आगे चले हम। फटाफट से कॉन्सेप्ट का नाम बता दो मुझे। पार्टनर्स, सर एक बार ये चीज़ समझ नहीं आई, जो 50,000 कैपिटल लगाया था पार्टनर, उसमें उसको इंटरेस्ट 6% मिलेगा। सत्यम, इंटरेस्ट का रेट 6% सिर्फ लोन के लिए है, ठीक है, सिर्फ लोन के लिए होता है बेटा। कैपिटल का रेट आपको मेंशन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन होता है। अगर मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं देना, मेंशन है तो इंटरेस्ट देना है। करंट अकाउंट बोल रहे हैं बेटा, करंट अकाउंट मेरी बात सुनो, करंट अकाउंट क्या है तो कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट। हाँ सर हाँ, पार्टनर को जो भी कुछ मिलना है। अरे आपने क्या सीखा सर, आपने कैपिटल अकाउंट में क्या सीखा कि सर जो भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से लेना होता है, जो भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से लेना होता है वो क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है ना। पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, प्रॉफिट देना है, कमीशन देनी है, तो कहाँ आ गया, क्रेडिट साइड पे। अब सर अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग्स करी है, आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग्स करी है, तो बेटा इससे पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी कम हुई या नहीं हुई, आप बताओ। क्या पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी कम हुई? हाँ, क्योंकि भाई पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पैसे ले लिए तो उसकी लायबिलिटी कम हो गई, कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर ने देना होता है ना, तो अगेन अगेन उसका बैलेंस कम हो रहा है ना, हाँ डेबिट साइड पे। बेटा इसमें क्या डाउट है आपको, यही तो किया हमने, राइट। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। आ जाओ, आओ सर आओ। स्वैप क्लब कह रहे हैं आपकी लाइव वॉचिंग इतनी नहीं है बेटा, बहुत है, 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत है बेटा बहुत है। मुझे पता है जितने यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, मुझसे रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो बेटा अगर वो रेगुलर है तो मुझे भी तो रेगुलर रहना पड़ेगा ना। आ जाओ फटाफट से एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा, आसान है, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आओ फटाफट से सर, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सुनो देखो क्या है, क्या है देखो, आपको बोला है ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019। अच्छा सुनो सुनो, अरे ये इलस्ट्रेशन करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना पसंद करूंगा, सुनो मेरी बात बेटा। मैंने आपको अभी फिक्स्ड मेथड पढ़ाया, हाँ बेटा फ्लक्चुएटिंग देख लो एक बार, क्या देख लो, अरे ठीक है, अरे देखो ना फटाफट से फ्लक्चुएटिंग देखो, अरे फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मेथड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं मेरा कहने का, हाँ बेटा मैं समझ गया बेटा, मुझे पता है आप मेरी तारीफ कर रहे हो कि सर आपको ज़्यादा बच्चे नहीं देखते हैं, आप फिर भी पढ़ाते हो। मैं आपको वही कह रहा हूँ, जितने बच्चे देख रहे हैं बेटा मेरे लिए बहुत है, बाकी बढ़ते रहेंगे बच्चे, बाकी बढ़ते रहेंगे, उसमें कुछ नहीं है। आ जाओ फटाफट से एक बार फ्लक्चुएटिंग मेथड, अब मेरी बात सुनो ना, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये देखो सर, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में ना, फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, क्या बनता है सर, एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड बहुत आसान है, क्या है सर, अरे फ्लक्चुएटिंग मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों? यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन है, कौन सी इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे, देखो आ जाओ सर, ये हमने फॉर्मेट बना दिया, हाँ जी सर हाँ जी, यहाँ आपने लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, राइट। ये क्या है सर, आपका कैपिटल अकाउंट, ये आपका क्या है सर, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे रिकॉर्ड होगी, क्या होगा, एक ही जगह पे, मतलब इन्वेस्टमेंट वाली भी, एडजस्टमेंट वाली भी, सब कुछ, सारी ट्रांजेक्शन्स एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है सर। मतलब जो भी हमने फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाया और करंट अकाउंट बनाया, वो दोनों ही ट्रांजेक्शन्स हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कि इसमें फ्लक्चुएटिंग में। मतलब सर जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करी है, जैसे आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया बाय बैंक अकाउंट, वो भी यहाँ पे आएगा, अच्छा ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे आएगी, हाँ जी सर ठीक है। अगर कुछ एडजस्टमेंट है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, वो भी यहीं पे आएगा।
तो जो भी ट्रांजेक्शन अगेन बैलेंस इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, पार्टनर ने जो भी पैसे लेने होंगे, पार्टनर ने जो भी पैसे लेने होंगे वो सब क्रेडिट साइड पे, हाँ वो सब आपके क्रेडिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड पे क्या आएगा? अब सुनो मेरी बात, हमने पढ़ा कि दो टाइप के ड्राइंग्स है, क्या है सर? दो टाइप के ड्राइंग्स है। बेटा यहाँ पे दोनों ही टाइप की ड्राइंग्स यहीं पे आएंगी सर, मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट भी यहीं पे आएगी, आउट ऑफ कैपिटल भी। कहने का मतलब क्या है, सारी ही ट्रांजेक्शन एक जगह आएंगी, सब कुछ एक ही जगह आएगा, किसमें सर? फ्लक्चुएटिंग मेथड में। एंड में अगेन आप क्या निकाल लोगे? क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, डेबिट या क्रेडिट जो भी आ रहा होगा। तो आसान है एवरीबॉडी, बेटा बोलो फटाफट से, क्या आपको पूरा कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया? फाउंडेशन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पीएनएल नहीं आता? नहीं बेटा नहीं आता। यस सर, आ जाओ, अब आ जाओ एक बार फटाफट से क्वेश्चन कर लो एक बार। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो बेटा देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 सारे बच्चे फटाफट से निकालेंगे, छोटा सा है ये, आप प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद कैपिटल्स ऑफ 30,000 20,000। तो ये इन्होंने क्या किया सर, कैपिटल इन्वेस्ट करिए। क्या करिए? कैपिटल इन्वेस्ट करिए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। अरे ये वही सेम क्वेश्चन है, राइट? क्या है सर? 500 पर मंथ बी को सैलरी मिलनी है, ठीक है। इंटरेस्ट आपको देना है 6% से, ठीक है। नाउ द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 5:3 में, हाँ। और ड्यूरिंग 2019 फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, वो सब चीज़ें आपको दे रखी है। बेटा ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन आप पहले बना चुके हो, इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन आप पहले बना चुके हो, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्योंकि आपको मेंशन नहीं है कि फिक्स्ड मेथड से बनाना है या फ्लक्चुएटिंग से, क्या बेटा आपको यहाँ पे मेंशन है क्या? नहीं। अगर बेटा आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप फ्लक्चुएटिंग मेथड बना देना। क्या कर देना सर? फ्लक्चुएटिंग। क्यों आप डबल डबल मेहनत करोगे? नहीं करेंगे सर। हम क्या करेंगे सर? हम डायरेक्टली फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाएंगे, राइट? क्या करेंगे? डायरेक्टली फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाएंगे, मतलब सिर्फ कैपिटल अकाउंट। अब जैसे 30,000 रुपीज मिस्टर ए ने क्या करे हैं? इन्वेस्ट करे हैं। ये सुनो, बिल्कुल सर बिल्कुल, क्या करे हैं सर? मिस्टर ए ने 30,000 इन्वेस्ट करे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, बाय बैंक अकाउंट 30,000 आ गया इन्वेस्टमेंट वाली जो, ठीक है। उसके बाद सैलरी मिलनी है बी को, अच्छा बी ने 20,000 इन्वेस्ट करे हैं, तो बी का आ गया 20,000 यहाँ पे, राइट? ठीक है, ए एंड बी का एक साथ बना सकते हो, हाँ आप बना सकते हो, इन्होंने अलग अलग बनाया, हम एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, सैलरी पे होनी है बी को, तो देखो यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है, क्या लिखा है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आना क्या चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर हमारा इंस्टीट्यूट गलतियां करता है? हाँ बेटा कभी कभी करता है, ठीक है। तो देखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस आपने सैलरी पे करी, इंटरेस्ट पे किया, प्रॉफिट बांटा, सब कुछ किया, राइट? उसके बाद देखो ड्राइंग्स दे रखी है आपको, ड्राइंग्स दे रखी है कितने की सर? 8,000 और 10,000। अब क्योंकि आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो? कैपिटल अकाउंट। तो फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि एक ही अकाउंट में जानी है। तो आपने ड्राइंग्स लिख दी, हाँ सर हमने ड्राइंग्स लिख दी, और एंड में क्या निकाल दिया? क्लोजिंग बैलेंस। बेटा मुझे बताओ क्या ये आप कर सकते हो? अरे मुझे बताओ ना प्लीज़, क्या आप ये खुद से कर सकते हो? एवरीबडी, क्या हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले? फटाफट से बताओ बेटा। यस सर, आसान है। ईजी है, हाँ बेटा बहुत आसान है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकेंड रुको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी हम करेंगे बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी हमने करना बाकी है ना, आज ही करेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ सर, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आ जाओ बेटा फटाफट से। अब हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे बेटा, जो आपने ट्वेल्थ में नहीं सीखी है, आ जाओ आ जाओ। सर अब हम सीखने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है, क्या सीखने वाले हैं सर? वो तो हमें आता है, हाँ बेटा यहाँ पे एक नई चीज़ है बस, ठीक है, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन एक कुछ नई चीज़ भी है। क्या हम शुरू करें? हाँ सर शुरू करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है, क्या पता है? कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, सबसे पहले
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है जो पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, राइट। अब सुनो मेरी बात, अगर आपका फिक्स्ड मेथड है और फ्लक्चुएटिंग मेथड है, सुन लो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको किस पे मिलता है सर? आपको इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। किस पे सर? इन्वेस्टमेंट पे। मतलब जो पैसा आपने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया है, जो पैसा आपने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया उसी पे मिलेगा। हाँ बिल्कुल राइट। सो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको दो तीन चीजें चाहिए सर। मतलब एक तो जो आपने इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा। मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? पार्टनर ने जो पैसे पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करे हैं उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सही बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली क्या है, आपको इनिशियल कैपिटल गिवन होगा। हाँ, अगर पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल विड्रॉ किया है तो मुझे उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। सही बात है। और तीसरा है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तीसरा क्या है सर? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बस ये तीन चीजें सर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अरे सुनाओ ना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ये तीन ही होती है। पहला, जो पार्टनर ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, हाँ, साल के बीच में इन्वेस्ट किया, हाँ, या इन्वेस्टमेंट में से पैसे निकाल लिए, क्या यही तीन चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन्स होती है? हाँ। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए मुझे बस इन तीन चीजों का ध्यान रखना है सर। जैसे कि मान लो आपको बोल दिया जाए कि एक पार्टनर है, कौन है, लेट्स से सुच्ची, सुच्ची एक पार्टनर है। अच्छा ठीक है बेटा, सुच्ची कौन है? एक पार्टनर है। लेट्स से आपको बोल दिया जाए 1 अप्रैल 2022 को इसका ओपनिंग बैलेंस, सुच्ची का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है सर कितना? 1 लाख रुपीज। अच्छा ठीक है। फिर आपको क्या बताया जाए, मान लो आपको बताया जाए 30th जून 2022 को सुच्ची ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है। क्या किया है? एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है। कितना सर? 50,000। कितना सर? 50,000। उसके बाद लेट्स से अगर आपको बोला जाए 31st December 2022 को सुच्ची ने विड्रॉ कर लिया। अरे बेटा क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया। कितना? 20,000। हाँ, मुझे क्या निकालना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे बेसिकली यही तीन चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, और कुछ नए तरीके आप यहाँ पे सीखने भी वाले हो सर। सबसे पहला तरीका, आ जाओ, सिंपल मेथड है सर। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं देखूँ पार्टनरशिप फर्म को आपने 1 लाख रुपये दे रखे। हाँ जी सर, दे रखे। पार्टनरशिप फर्म को आपने कितने पैसे दे रखे? 1 लाख। मुझे बताओ, मुझे बताओ, 1 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म में कितने मंथ के लिए थे? अरे इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा तरीका है सर। क्या है? आप देखो 1 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म ने कितने महीनों के लिए यूज करे हैं सर? 3 महीनों के लिए, अप्रैल मई जून। उसके बाद आपका कैपिटल चेंज हो गया। सारे बच्चे एक ही बारे में समझो प्लीज, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे। हाँ, मान लो आपका 10% का इंटरेस्ट है या 12% का इंटरेस्ट है। कितने महीने के लिए सर? 3 महीने के लिए। अच्छा सर, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपका कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? 1,50,000। कितना हो गया बेटा? 1,50,000। 1,50,000 आपने और दे दिए। क्या दे दिए? 50 और दे दिए। तो अब पार्टनरशिप फर्म के पास कितने पैसे हैं आपके? 1,50,000। अब ये 1,50,000 पार्टनरशिप फर्म ने कितने महीनों के लिए यूज करे हैं? देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए। ये 1,50,000 पार्टनरशिप फर्म ने 6 महीने के लिए यूज करे हैं। हाँ सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने 20,000 रुपये निकाल लिए। तो अब पार्टनरशिप फर्म के पास कितने पैसे हैं? अब पार्टनरशिप फर्म के पास 1,30,000 है, निकाल लिए। हाँ, अब आपको इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा सर? 1,30,000 पे मिलेगा, 12% के हिसाब से, 3 महीने के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। सिंपल सी बात है एवरीबडी। क्या इसमें कुछ रॉकेट साइंस है? नहीं। तो आपने क्या देखा? आपने देखा पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस है वो पार्टनरशिप फर्म में कितने महीनों के लिए इन्वेस्टेड है, राइट। सबसे पहले आपका 1 लाख रुपीज है। आपको देखना ये 1 लाख रुपीज का जो बैलेंस है ये कितने मंथ के लिए था? 3 महीने के लिए। इसके बाद ये बैलेंस चेंज हो गया। क्या हो गया सर? इसके बाद ये बैलेंस चेंज हो गया। कितना हो गया? 1,50,000। अब 1,50,000 पार्टनरशिप फर्म ने कितने महीनों के लिए यूज किया सर? 6 महीनों के लिए। फिर कितना बैलेंस हो गया? 1,30,000, 3 महीनों के लिए। बात खत्म।
मुझे फटाफट से बताओ क्या आपको ये समझ में आया। एवरीबडी कहो ना कहो, अरे बोलो यार एवरीबडी। अरे इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। राइट, ये बेटा बहुत ही सिंपल मेथड है। क्या है सर? सिंपल मेथड। हाँ सर हाँ, ये सबने सीखा है। हाँ ये सबने सीखा है, ये सबको आता है, ये सबको आता है। बेटा एक चीज हम और सीखने वाले हैं आज, ठीक है, जो कि हमारा क्या है सर, अरे सुनो मेरी बात, हम उसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट मेथड या कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। सुनो मेरी बात, प्रोडक्ट मेथड सर ये हमने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। राइट, ठीक है, मैं सिंपल था, मैथ में बहुत किया हूँ, सत्यम अच्छी बात है बेटा। सुनो मेरी बात ध्यान से सर, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब जैसे आपका ये है, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या इन इस चीज़ों में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ सर? कॉमन मतलब बेटा सुनो ना, सुनो ना, कॉमन मतलब क्या इन तीनों ही कैलकुलेशंस में कुछ चीज़ें कॉमन है? आप मुझे बताओ क्या कुछ चीज़ें कॉमन है? हाँ सर हाँ सर, जैसे कि आपका रेट कॉमन है ना, सब में रेट कॉमन है। हाँ, उसके बाद सर आपका 1/12 भी कॉमन है, सब में 12 से डिवाइड हो रहा है सर, सब में 12 से डिवाइड हो रहा है। जो चीज़ें मैं कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ये दोनों चीज़ें मैं कॉमन ले सकता हूँ। हाँ, अगर मैं पहली चीज़ देखूँ, बेटा ध्यान से देख लो जिनके पास मैथ्स नहीं है, अगर मैं पहली चीज़ देखूँ तो क्या बच गया मेरा? बच गया 1 लाख रुपीज़। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 12%, तो आपने पहले ही लिख दिया 3/12। अब 1/12 तो लिख चुके हो, बचा क्या? 3। बच्चा क्या बेटा? 3। हाँ सही बात है, सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वाली कैलकुलेशन हो गई प्लस। अब यहां का देखते हैं, यहां पे आपका कितना आ रहा है सर? यहां पे आ रहा है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। 12% तो आपने बाहर कॉमन ले लिया, 6/12, अपॉन 12 तो बाहर ही है, मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा राइट, प्लस प्लस प्लस, लास्ट में क्या है सर? 1,30,000। हाँ सर हाँ, मल्टीप्लाई बाय अगेन 12% तो बाहर ही है, बचा कितना? 3। यस, क्या ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है? एवरीबडी बेटा क्या ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है? बोलो अरे बोलो ना। हाँ सर हाँ सर, दोनों ही फॉर्मूले सेम है। तो बेटा देखो, मैं प्रोडक्ट मेथड में क्या करता हूं, सुनो 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 सुनो, मैं आपकी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। प्रोडक्ट मेथड या कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां आप क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ कैपिटल। अच्छा राइट, कैपिटल की अमाउंट कितनी थी? यहां आप लिखोगे मंथ, कितने मंथ्स के लिए थी? हाँ सेम आंसर आएगा ऑफ कोर्स। और यहां आप लिखोगे प्रोडक्ट। सुनो सुनो सुनो, ठीक है। देखो सबसे पहले देखेंगे कि भाई स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? 1 लाख रुपए। सर सबसे पहले कैपिटल कितनी थी? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपीज आपके फर्म में कितने महीने के लिए थे सर? 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म ने 3 महीने के लिए आपका 1 लाख रुपए यूज किया है, टोटल कितना हो गया? 3 लाख रुपए। सही बात है। हाँ सर हाँ, उसके बाद आपका कैपिटल चेंज हो गया सर। अरे बेटा देखो ना, आप देखो तो सही, रुको रुको ना रुको, देखो देखो देखो, एक सेकेंड रुको, मैं आपको एक बुक का भी एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, रुको। यस सर यस, सुनो। हाँ सर हाँ, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। अब सुनो राइट, ये हो गया। हाँ सर, इसके बाद आपका कैपिटल का बैलेंस कितना था? 1,30,000। कितना था? 1,30,000। कितने मंथ्स के लिए था सर? अरे कितने मंथ्स के लिए, सॉरी 1,50,000। 1,50,000 था। कितने मंथ्स के लिए था? 6 महीने के लिए। कितने के लिए? 6 महीने के लिए। हाँ सर हाँ राइट, कितना आ जाएगा? 9 लाख। उसके बाद आपका कैपिटल कितना था? 1,30,000। हाँ सर हाँ, कितने महीने के लिए सर? 3 महीने के लिए। 3,90,000। कितना आ गया सर ये? 3,90,000 राइट। आप क्या करोगे? प्रोडक्ट का टोटल करोगे। अरे आप क्या करोगे सर? प्रोडक्ट का टोटल करोगे, 3 लाख प्लस 9 लाख प्लस 3,90, 15,90,000 राइट। देखो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, अरे सुनो ना, ठीक है सुनो मेरी बात सर, ये कितना आ जाएगा? 15,90,000। अब जो भी आपकी कॉमन चीजें थी, जैसे कि 12%, हाँ सर हाँ, मल्टीप्लाई बाय 1/12, बेटा ये और ये सेम ही तो है, सेम ही है। हाँ ठीक है, 15,90,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ जाएगा ये?
सर कितना आ जाएगा बताओ ना, आई थिंक ये आ जाएगा 15900। क्या पहले भी इतना ही आ रहा था? हाँ इतना ही आ रहा था। बात समझ में आई? इससे आसान मेथड भी है, ठीक है। क्या ये वाला मेथड फॉलो करना है? नहीं, मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये वाला मेथड फॉलो नहीं करना। अब सुनो ध्यान से, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया बेटा, नॉलेज के लिए बताया। अब सुनो हमको एग्जाम में क्या करना है। सुनो सर इससे भी आसान मेथड है। हाँ बेटा इससे भी आसान मेथड है। सुनो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस ये देखना है कितना कितना कैपिटल था। एवरीबडी एवरीबडी सुनो मेरी बात ध्यान से। सर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे हैं। हाँ अब आराम से सोच के बताओ बेटा, आराम से सोच के बताओ, ये 1 लाख रुपीज एक्चुअली में पार्टनरशिप फॉर्म में कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड थे? अरे बेटा बताओ ना, ये 1 लाख रुपए पार्टनरशिप फॉर्म में कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड थे? 1/12 क्यों आया? अरे बेटा, अरे रुको, जिन बच्चों को लग रहा है सर 1/12 आपने क्यों लिखा है, अब मैं आपको बता देता हूँ। अरे मैं आपको बता देता हूँ, सुनो ठीक है, रुको इसको छोड़ो, पहले 1/12 देखो बेटा, पहले 1/12 देखो, आ जाओ बेटा देखो। जो बच्चे 1/12 सोच रहे हैं सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, ये देखो हमने क्या किया सर, हमने बेसिकली, आपने ये सिंपल मेथड फॉलो किया है? हाँ सर हाँ, हमने ये सिंपल मेथड फॉलो किया। मैंने बेटा क्या किया था, मैंने सिर्फ जो कॉमन कॉमन चीज़ें हैं उसको बाहर रख लिया। क्या रख लिया सर? उसको बाहर रख लिया। हाँ सर हाँ। अब कॉमन कॉमन चीज़ें क्या थी सर? अरे बताओ ना क्या थी सर? देखो सर यहाँ पे आप तीनों कैलकुलेशंस को देखो। अरे आप क्या देखो सर, तीनों के तीनों कैलकुलेशंस को देखो तो क्या आएगा सर? देखो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1200 इंटू 3/12 150 1200। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब में 1200 कॉमन है, तो आपने 1200 कॉमन ले लिया। ले लिया? हाँ सर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सब में सर 12 से डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? 12 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने क्या कर लिया, 1/12 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? 1/12 कॉमन ले लिया। अब जो भी बच गया उसको मैंने अंदर ब्रैकेट में लिख दिया। बेटा इतनी मैथ तो पता होनी चाहिए ना, इतनी मैथ तो आनी चाहिए बेटा, सच में आनी चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अच्छा ठीक है, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। प्रोडक्ट मेथड, अरे सुनो 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 ठीक है, प्रोडक्ट मेथड, और इसको हम क्या बोलेंगे अब, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। अच्छा ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा एक बुक का क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा रुको ना, आप रुको, आपको जब तक बुक से ना कराओ ना आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं होता है। सुनो सारे बच्चे सुनो, मैं आपको बुक से कराऊंगा, रुको। योर इन्वेंट्री क्लासेस सोनी खन्ना, आई एम ग्लैड बेटा कि आपको वो क्लासेस हेल्प करी, थैंक यू। हाँ देखो सर क्वेश्चन, देखो सर आ जाओ सर, ये थोड़ी सी नई चीज़ है। क्या नई चीज़ है? देखो क्वेश्चन सबके सामने, ठीक है राइट। अहमद अहमद बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत थोड़ी है, अभी बहुत टाइम है, आप पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। नहीं सर हमें विश्वास है आप, अरे नहीं है बेटा आपको विश्वास नहीं है, आप देखो मैं कह रहा हूँ ना आपको नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ए एंड बी फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप विद कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 50 and 30 ऑन रिस्पेक्टिवली ऑन 1st January, ठीक है। अरे बेटा देखो, हाँ इसका मतलब 1st January को आपने कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, 50 और 30। हाँ अब ये छोड़ दो बेटा, अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है राइट, अभी के लिए इसको छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। आपको क्या करना है सर, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। क्या करना है सर? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, मान लो 12% के हिसाब से। ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भाई मेरी मर्जी मेरे रूल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 12% के हिसाब से। अच्छा ठीक है, तो सुनो सारे बच्चे क्या हुआ है, आपको बता रखा है ए ने क्या किया बी ने क्या किया, ए ने क्या किया बी ने क्या किया। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ए का निकालूंगा। किसका? ए का सर, किसका निकालूंगा? ए का। अब बेटा सुनो मेरी बात, कौन से मेथड से निकालेंगे, प्रोडक्ट मेथड, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। सर क्या है फॉर्मेट, क्या है? वही कैपिटल लिखो यहाँ पे। अरे सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे, कैपिटल लिखो कैपिटल। हाँ सर हाँ, यहाँ लिखो मंथ्स, क्या है सर? मंथ्स, ओके। और यहाँ आपका आएगा प्रोडक्ट। सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने ही बनाया है, आपके बुक में नहीं है, ठीक है। देखो सर सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले क्या था सर? सबसे पहले जो कैपिटल था वो कितना है? 50,000 है ना, कितना है सर? 50,000। बस आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपका कैपिटल का बैलेंस चेंज कब हुआ।
अरे देखो देखो, आप नजर रखो किस पे, ए पे, ए पे नजर रखो। ए ने क्या किया सर, 31 मार्च को 5,000 रुपये इंट्रोड्यूस कर दिए। एवरीबडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5,000 रुपये इंट्रोड्यूस कर दिए। हाँ तो बेटा ये 50,000 कितने महीने के लिए है, 3 महीने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, तो इसका मतलब सर 1,50,000 आ गया। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर हाँ। इसके बाद 31 मार्च को 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो आपका बैलेंस कितना हो गया, 55,000। सर कितना हो गया, 55,000। अरे 50,000 रुपये 3 महीने के लिए आपने इन्वेस्ट करे, इसका मतलब इफेक्टिवली इफेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म ने आपके के कितने पैसे यूज करे, 1,50,000। सही बात है। अरे कृष्णा कह रहा है 3 महीना कैसे, बेटा बस यही दिक्कत है। कृष्णा मुझे एक बात बताओ, आपने 1 जनवरी को, आपने 1 जनवरी को 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करें, बेटा कब करें यहां पे लिख सकते हो आप। आपने 1 जनवरी 2019 को 50,000 रुपये इन्वेस्ट करें। हाँ सर हाँ। अरे सुन लो, 55,000 कैसे, पता नहीं क्या दिमाग चला रहे हो तुम। रुको, 1 जनवरी को 50,000 रुपये इन्वेस्ट करें। हाँ बेटा, ये 50,000 रुपये का जो कैपिटल का बैलेंस था वो पार्टनरशिप फॉर्म में कितने महीनों के लिए है? जैसे ही आप कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे या विड्रॉ करोगे, ये बैलेंस चेंज हो जाएगा। सर कैसे बेटा, आपने 31 मार्च को, 31 मार्च को 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। देखो क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन, 31 मार्च को आपने क्या किया सर, 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या आपका कैपिटल 50,000 से 55,000 हो गया? बच्चे पूछ रहे 55,000 कैसे। बेटा 1 जनवरी को 50,000 रुपये था। हाँ सर हाँ। जनवरी जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना होता है। हाँ सर होता है। तो बेटा 50,000 रुपये जो कैपिटल थे वो कितने महीने के लिए था, 3 महीने के लिए। कितना हो गया, 1,50,000। समझू? हाँ आ गया समझ में। हाँ सर, अब क्योंकि आपने 5,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए, तो आपका कैपिटल कितना हो गया है, आपका कैपिटल 55,000 हो गया है। कितना हो गया है सर, 55,000 हो गया है। इतनी बात समझू? हाँ सर समझू। अब बेटा ये सोचना है आपको कि 55,000 रुपीज पार्टनरशिप फर्म में कितने महीनों के लिए थे, या आप ये सोचो पार्टनरशिप फर्म ने 55,000 रुपीज कितने महीनों के लिए यूज करे हैं। देखो 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 देखो, अब मिस्टर ए ने क्या किया, 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। बेटा देखो 3,000 रुपये क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, ये देखो। हाँ सर हाँ। बेटा आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है ना, ये रहा 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। कब, 1 जुलाई, 1 जुलाई। इसका मतलब सर, इसका मतलब आपने 55,000 पार्टनरशिप फर्म में कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करे हैं। देखो अप्रैल मई जून, 3 महीने, अप्रैल मई जून। अगर मेरे को आपको मंथ कैलकुलेट करना सिखाना पड़ा तो बेटा फिर तो बहुत गलत हो जाएगा, फिर तो हम क्या ही पढ़ रहे हैं, राइट? बेटा बात समझ में आ गई, अप्रैल मई जून समझ में आ गया। हाँ सर हाँ समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर। 55,000, 3,000 विड्रॉ कर लिए, अब आपका बैलेंस कितना हो गया है, 52,000। आपका बैलेंस 52,000 हो गया है या नहीं? हाँ सर हाँ। अब आपको सोचना है 52,000 पार्टनरशिप फर्म में कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड हैं, कितने महीने के लिए सर। चेंज कब हुआ, ये देखो, आपने 1 सितंबर को, 1 सितंबर को 5,500 इन्वेस्ट करे, मतलब जुलाई अगस्त, बस जुलाई और अगस्त 2 महीने के लिए। हाँ सर हाँ, 2 महीने के लिए। सर कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, राइट? बात समझ में आई सर। अब आपका कैपिटल कितना हो गया, 52,000 प्लस 5,500, 57,500। कितना हो गया सर, 57,500। हाँ सर, अब ये कितने महीनों के लिए है, आपने 1 नवंबर को, 1 नवंबर को 4,500 विड्रॉ कर लिए, सितंबर अक्टूबर 2 ही महीने के लिए, ये भी 2 ही महीने के लिए है। कितना हो जाएगा, 1,15,000। ऑल राइट, अब आपने 4,500 विड्रॉ कर लिए तो कितना आ गया, 53,000। अब इसके बाद आपने कुछ नहीं किया, नहीं तो नवंबर और दिसंबर 2 महीना, 1,06,000 बस। अरे खत्म हुआ ना। हाँ
यहां तक फटाफट से पहुंचो और मुझे बताओ क्या डाउट है। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। नो सर, क्लियर? पक्का क्लियर? हाँ सर, हाँ पक्का क्लियर। राइट? अरे राइट क्या? हाँ, इसे इसी मेथड नहीं है। हाँ, ये बहुत आसान मेथड है बेटा। राइट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं आपको बताऊं तो इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कि भाई अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म ने इन टोटल 6,40,000 रुपये मिस्टर ए के यूज करे हैं, है ना? अगर हम देखें तो इन टोटल 6,40,000 रुपये यूज करे हैं, अगर हम हर मंथ का देखें। सही बात है। अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का है। हाँ सर, हाँ, मुझे क्या निकालने का है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा क्या फॉर्मूला था? अरे क्या फॉर्मूला था सर? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 6,40,000। हाँ, अब क्या बच गया? एक तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के हिसाब से, राइट, मल्टीप्लाई बाय 1/12, मल्टीप्लाई बाय 1/12, यही फॉर्मूला था। अरे बताओ बेटा, क्या यही फॉर्मूला था ना? एवरीबडी यस और नो? हाँ सर, हाँ, राइट, यही तो फॉर्मूला था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि भाई आपने क्या किया? आपने ये निकाला टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 1/12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,400। कितना आएगा बेटा? 6,400। क्या आपको समझ में आ गया है? मुझे फटाफट से बताओ बेटा, मुझे फटाफट से क्या आप बताओगे कि क्या आपको समझ में आ गया है? एवरीबडी यस सर, हाँ। तो बेटा अगर आपको समझ में आ गया है ना, सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनो एवरीबडी। हाँ जी, तो जल्दी से ना शुरू हो जाओ। क्या हो जाओ? शुरू हो जाओ किसका? बी का निकालने के लिए। बी का कैलकुलेट करोगे सर अभी? हाँ बेटा अभी। क्या क्या करोगे आप? बी का कैलकुलेट करोगे? क्या सबके पास फिजिकली बुक्स है एवरीबडी? क्या सबके पास फिजिकल कॉपी है बुक्स की? वन अपॉइंट ट्वेल्व कैसे आता है? नहीं बताते थे आकाश, अब समझ में आ गया बेटा? अच्छा नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। चलो बेटा फटाफट से क्या करो आप? चलो, अच्छा, चलो स्क्रीन पे ही देख लो। अरे स्क्रीन पे ही देख लो, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, आ जाओ स्क्रीन पे देखो फटाफट से और बी का कैलकुलेट करो। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से कैलकुलेट करो। एवरीवन कैलकुलेट करो बेटा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, आप फटाफट से इसका कैलकुलेट करो। सुच्ची, आपको क्या करना है बेटा? वीडियो में रेजोल्यूशन होगा, रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करो, क्वालिटी क्वालिटी को इम्प्रूव करो।
विलियमसन का हो चुका है बेटा, फटाफट से बाकी बच्चे भी कर लेंगे। ओहो अलग अलग आंसर आ रहा है, बुशरा का अलग आंसर आया है और विलियमसन का अलग आया है। जिन जिन का हो गया मुझे बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। 3700। अच्छा हिमानी का बिल्कुल अलग आ गया है। बेटा क्या किया आपने, आप फटाफट से करेंगे। देखो किसका निकालेंगे सर, बी का निकालेंगे। ओके 4000 आ रहा है गोयल और यश का। बेटा आपके पास कैलकुलेटर है, आप अभी भी अगर कैलकुलेटर का यूज़ करके गलत करोगे तो कैसे चलेगा। आओ फटाफट से सर, कैपिटल यहाँ हमने लिखा मंथ्स और यहाँ हमने लिखा प्रोडक्ट्स। अच्छा सबका 4000 आ चुका है, ठीक है। देखो सबसे पहले कैपिटल कितनी है सर, 30000 है ना। अब 30000 तो है लेकिन चेंज हो गई 31 मार्च को, तो कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। कितना हो गया, 90000। हाँ सर हाँ। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने 2000 विड्रॉ करें, क्या करें, विड्रॉ करें तो कितना बैलेंस हो गया, 28000। अब ये 28000 कितने मंथ्स के लिए है। नेक्स्ट इसने क्या करा है, बी ने 9000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई को, अप्रैल मई जून अगेन 3 महीने के लिए। हाँ सर हाँ 84000। ऑल राइट इसके बाद क्या हुआ सर, 9000 एडिशनल कैपिटल है 37000। अब क्या हुआ, 37000 कब चेंज हुआ है, 1 सितंबर को, तो इसका मतलब जुलाई अगस्त 2 महीने, कितने मंथ्स, 2 महीने। कितना आ गया ये, 74000। ठीक है अब क्या हुआ, इसने 1000 विड्रॉ किया, ठीक है कितना हो गया, 36000। 36000 हो गया, यस सर यस। कितने महीने के लिए है, 2 महीने के लिए। कितना आ गया, 72000। इसके बाद क्या हुआ है, क्या हुआ है सर, 1 नवंबर को 4000 एडिशनल है, कितना हो गया, 40000। 40000 कितने मंथ्स के लिए, बाकी 2 महीने बचे हैं, 80000। अब क्या करना है, बस हमें इसका टोटल करना है। आपके पास कैलकुलेटर है ना बेटा, आपके पास तो कैलकुलेटर है। कितना आ जाएगा ये, 4 लाख। कितना आ जाएगा, 4 लाख। अब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको रेट गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1/12। कितना आ गया ये, 4000 रुपीज़, जैसे कि सबका आया था। बेटा सबको समझ में आ गया क्या? अरे मुझे बताओ क्या सबको समझ में आ गया क्या, एवरीबडी। हाँ सर हाँ। बेटा यहाँ पे ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। नहीं नहीं गोयल बेटा, ये आपको रेट गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है बेटा। एक फॉर्मूला होगा किसका सर, कैपिटल रेशियो का। किसका, कैपिटल रेशियो। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा। सुनो कैपिटल रेशियो सर, कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है, अगेन कैपिटल रेशियो का मतलब है कि भाई जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल कौन सा, इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल, अच्छा राइट। कई बार वो आपको क्या बोलेंगे, आपको कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेटा मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं। तो कैपिटल रेशियो बिल्कुल इसी तरीके से निकलती है। कैसे सर, देखो आपने निकाला ये जो आपने टोटल निकाला, क्या निकाला, 6,40,000। बेटा आपने क्या निकाला, 6,40,000। इस 6,40,000 का मतलब क्या है कि इफेक्टिवली पार्टनर ने थ्रू आउट द ईयर इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अरे यही मतलब है या नहीं, आप बताओ। बेटा ये 6,40,000 क्या है सर, कि भाई पार्टनर ने इफेक्टिवली इतना कैपिटल पूरे साल में एम्प्लॉय किया है, 6,40,000। हाँ और बी ने कितना एम्प्लॉय किया है सर, 4 लाख। कितना एम्प्लॉय किया है, 4 लाख। तो ये जो आप इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो, अगर मैं इसी की रेशियो निकालूं, इसकी रेशियो कैसे सर, 6,40,000 इज़ टू 4 लाख। 6,40,000 इज़ टू 4 लाख, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रेशियो। अरे वाह, क्या बोलेंगे सर, कैपिटल रेशियो। आपने 3 0 3 0 काट दी, चलो 4 से 4 काट दी, क्या बच गया, 64 इज़ टू 40। अब इसमें कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, 8, 8, 8, 64, 8 इज़ टू 5, आपका आ गया 8 इज़ टू 5। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल रेशियो। आसान है हाँ, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आ चुका है, जहां तक मुझे लगता है आपको आ चुका है, या आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आ चुका है। हाँ सर हाँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना आ गया, तो बस उसी की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, उसी को इसी उसी की रेशियो को हम बोलते हैं क्या, कैपिटल रेशियो। मुझे फटाफट से बताओ क्या आपको समझ में आ गया बेटा, एवरीबडी।
हाँ सर हमको समझ में आ गया, पक्का? ठीक है। अच्छा तो कैपिटल रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या पढ़ रहे थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ठीक है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको क्लियर हो गया? हाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, कैपिटल रेशियो भी हो गया, क्या बात है। अरे ये तो मज़ेदार बात हो गई भाई, सच में। और क्या, ये तो बहुत ही मज़ेदार बात हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बस मैं आपसे आपको मैं थोड़ा रिकॉल कराता हूँ, आपसे फटाफट से पूछता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं कि फिक्स्ड मेथड गिवन है। क्या गिवन है सर? फिक्स्ड मेथड। अच्छा ठीक है, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फिक्स्ड मेथड में आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, अच्छा ठीक है, और आपको करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। फिक्स्ड मेथड है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों गिवन है। आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है। क्या गिवन है सर? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, किसी भी पार्टनर का मान लेते हैं, ये 1 लाख है और ये आपका 20,000 है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कितने से? 10% पर एनम से। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? मुझे सारे बच्चे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? हाँ जी कितना आएगा बेटा? बोलो बोलो। विलियम सर ने बोला 12,000, ठीक है, दीक्षा 12,000, गुड जॉब। हिमानी ने बोला है 10,000, अच्छा बस मुझे यही तो चेक करना था बेटा। कृष्णा 12, तुषार 12, अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर दो बेटा। क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा है कि आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। यस 12,000, दीक्षा ने 10 बोल दिया, सौम्या 12, ठीक है, अपराजिता 12, बुश्रा 10। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, यही तो प्रॉब्लम है ना, कॉन्सेप्ट आप ढंग से समझते नहीं हो। मुझे लग रहा था कुछ बच्चे गलती करेंगे। सुनो, नमन ने बोला 10, अच्छा ठीक है, सुनो बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या कहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। सर किस पे मिलता है? इन्वेस्टमेंट पे। हाँ सर हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का, बेटा मुझे बताना इन्वेस्टमेंट वाला बैलेंस कौन सा है? हाँ जी, क्या ये करंट अकाउंट आपका इन्वेस्टमेंट वाला बैलेंस है? क्या ये 20,000 रुपीज पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नहीं, इंटरेस्ट किस पे मिलता है? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे मिलता है, करंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं मिलता। हाँ या ना भाई? ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है, इसमें आपने क्या करा है? इसमें आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, क्या किया होगा? इन्वेस्ट किया होगा, वो तो कैपिटल अकाउंट में आएगा ना। किस में आएगा सर? कैपिटल अकाउंट में। तो बेटा करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, किस पे मिलता है? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलता है। आंसर कितना है? 10,000। यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। सिंपल। जो बच्चे 12,000 बोल रहे थे, क्या उनका डाउट क्लियर हो गया? 12,000 नहीं आएगा बेटा, कितना आएगा? 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000। करंट अकाउंट के बैलेंस पे नो इंटरेस्ट अलाउड। अरे ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। क्या आपने पार्टनरशिप फर्म को 20,000 रुपये दिए हैं? नहीं दिए नहीं हैं, राइट? ये तो बस आपने पार्टनरशिप फर्म से लेने हैं। बात समझ में आ गई एवरीबडी? क्या ये डाउट क्लियर है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे देते हैं? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे। किस पे देंगे सर? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे। आई होप ये क्लियर हो गया। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होता सर, क्या होता? फ्लक्चुएटिंग मेथड होता। अच्छा ठीक है, ऑल राइट सुनो ना सुनो, फ्लक्चुएटिंग मेथड आपको क्या दे रखा है सर? ओपनिंग बैलेंस। अरे क्या दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस। अच्छा ठीक है, कितना? 1 लाख। बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो एक ही अकाउंट बनता है, तो उसी पे इंटरेस्ट देंगे। हाँ सही बात है। अच्छा सुनो, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2020। मैं आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, सुनो। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद आपको बोला है 30 जून 2020 को आपने क्या किया? एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है सर। कितना? 50,000। ओके सर ओके, ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब मान लो आपको 30 सितंबर
2020 को आपने क्या करी है सर? ड्राइंग्स करी है। क्या करी है? ड्राइंग्स करी है। कितने की सर? 20,000 की। क्या करी है? ड्राइंग्स करी है 20,000 की। आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है कितना? 12% से। बेटा सारे बच्चे सही से निकालेंगे, आप कोई भी मेथड यूज करो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप सिंपल मेथड भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोडक्ट मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा? बुशरा बुशरा सुनो, दिस इज 1 अप्रैल, दिस इज 30 जून, दिस इज 30 जून बेटा, दिस इज 30 जून एंड दिस इज 30 सितंबर। ओके दीक्षा ने बता दिया मुझे 14,300। ओके दीक्षा, अभी हम चेक करेंगे। आज तो MTP हुआ अकाउंट्स की, जूही मुझे आपका बात समझ में नहीं आया बेटा। MTP करेंगे लेकिन आज हम MTP नहीं कर रहे। बोलो बेटा फटाफट से बोलो, इतनी देर मत लगाओ, तुम्हारे पास एक मशीन है उसका यूज करो। मेंटी बेटा, मेंटी तो संडे होगा, संडे। अच्छा आईसीए का मॉक टेस्ट पेपर है। हाँ, बच्चे बोल रहे 15,300, दीक्षा ने बोला है 12,800। अच्छा ओके, एक्सक्यूज मी। बेटा अभी तक हुआ या नहीं हुआ? क्या कर रहे हो आप लोग? अरे आप लोग क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा रहे हो? आपके पास कैलकुलेटर भी है, भूल गए क्या कि हमें कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है? बेटा आप 12th में नहीं हो, आप CA का पेपर देने जा रहे हो, अलाउड है कैलकुलेटर यूज करो। गोल मैं आपको बता दूंगा बेटा, 15,600, 15,300। अच्छा सुन लो भाई, अगर आप ये भी गलत कर रहे हो ना तो ये बहुत ही गलत बात है। सर क्यों? मैंने आपको क्या बताया? सुनो बेटा मुझे पता है आप क्या गलतियां कर रहे हो, सुनो। अरे सारे बच्चे सुनो, 12% बेटा लिखा है ना, 12% बुशरा, 12%। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए तीन ही चीज़ें चाहिए। सर कौन कौन सी? एक तो ओपनिंग बैलेंस, हाँ सर हाँ। एक आपका एडिशनल कैपिटल, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती है, और एक आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या है सर? विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यही तीन चीज़ें चाहिए। हाँ ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर हम इसको निकालेंगे तो देखो, अरे देखो ना देखो सर, 1 लाख रुपीज़ है, हाँ उस पर 12% का रेट है। हाँ जी बेटा, ये 12% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ 3 महीने बाद आपका कैपिटल का बैलेंस चेंज हो गया, सही बात है, 3/12 ठीक है। प्लस अब कितना हो गया सर? 1,50,000। अब कितना हो गया? 1,50,000, सही है। अब कितना हो गया? 1,50,000। अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, क्या मैं ये 20,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करूं क्या? क्या मैं 20,000 को करूं क्या? बेटा नहीं। क्यों? ये ड्रॉइंग्स है,
क्या है ड्रॉइंग्स, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में से पैसा नहीं निकाला है। अगर ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है, दिस ड्रॉइंग्स इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, क्या है सर, दिस ड्रॉइंग्स इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, बात समझ में आई आपको, तो इसको मुझे इग्नोर करना है, क्या करना है, इग्नोर करना है, बात समझ रहे हो बेटा, यही तो कॉन्सेप्ट है राइट। तो भाई इसका मतलब आपके कैपिटल का बैलेंस 1,50,000 कितने महीने के लिए, अगले 9 महीने के लिए सर, कितने महीने के लिए, अगले 9 महीने के लिए, इसको सॉल्व करो जरा, यार है 3,000, किसी भी बच्चे का 16,500 नहीं आया बेटा, किसी भी बच्चे का 16,500 नहीं आया, प्रथम का आया है ठीक है, क्या हो गया, कहां पे अटक गए, अरे आप लोग कहां पे अटक गए बताओ मुझे, कहां दिक्कत हो रही है, बुशरा नमन ने बोला है बेटा, सिंपल है ना, सिंपल है कि भाई सुनो ड्रॉइंग्स इंक्लूड कर ली थी, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दी थी मैंने, मैंने आपको क्या बताया बेटा, यहाँ पे देखो, जब मैं आपको ड्रॉइंग्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या कहा था, ड्रॉइंग्स पढ़ाते हुए क्या कहा था, कि जब आपको ड्रॉइंग्स गिवन होगी तो आपको क्या मानना है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो बेटा ड्रॉइंग्स मैं यहाँ पे क्यों कंसिडर करूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे सिर्फ क्या कंसिडर करना होता है। गोयल फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बेटा मुझे एक बात बताओ, प्रथम कह रहे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल टू, बेटा वो मेंशनड होगा ना, अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगी तो वो मेंशनड होगा, मैंने आपको क्या कहा था, अगर वो सिर्फ ड्रॉइंग्स है, क्या है सर, अगर वो सिर्फ ड्रॉइंग्स है तो डैट ड्रॉइंग्स इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, बात समझ में आई, हाँ सर हाँ ठीक है। और बेटा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालता हूँ, जो पैसा मैंने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, और इन्वेस्ट वाली सिर्फ तीन चीज़ें होती है, जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, और जो आपका एडिशनल कैपिटल होगा, और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा, इसके अलावा तो नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बस ये तीन चीज़ें कंसिडर करनी है, मुझे बताओ क्या सब बच्चों को समझ में आ गया, एवरीबडी मुझे बताओ फटाफट से क्या सब बच्चों को समझ में आ गया, यस सुनो बेटा सुनो, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तक आपने सही आंसर नहीं दिया ना, चलो ये एक आपके बुक का ही क्वेश्चन है, किसका बुक का, फटाफट से क्या करेंगे सर, आपको दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, किसका किसका, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, किसका, शिल्पा का और संजू का, किसका, शिल्पा और संजू का, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ राइट, फटाफट से कैलकुलेट करो और मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ ठीक है, सबको कैलकुलेट करके रखना है बेटा।
ओह माय गॉड, हाय गाइस, आई एम रियली सॉरी. मुझे लगता है शायद मैंने 2 मिनट से ज़्यादा ही ले लिए हैं, है ना. सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ जी, क्या आपका आंसर आ गया? ओ भाई साहब, सबने आंसर दे दिया है. बेटा सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ. आई होप आप समझ जाओगे. हाँ जी, क्या क्या आंसर आया? शिल्पा 10650, संजू 14400, फाल्गुनी का अलग आंसर आ रहा है. देखो बेटा, अगर हम शिल्पा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, शिल्पा 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 की बात करेंगे, तो शिल्पा का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख. ओपनिंग कितना है? 1 लाख. तो आपको बेटा क्या देखना है, बस कि ओपनिंग बैलेंस चेंज कब हुआ. आपको क्या देखना है, ओपनिंग बैलेंस चेंज कब हुआ. क्या इसका ओपनिंग बैलेंस चेंज हुआ है? हाँ, इसने इंट्रोड्यूस किया 30,000 फर्स्ट जुलाई को. इसका मतलब सर, जो इसका ओपनिंग बैलेंस है ये चेंज हुआ है. हाँ, तो ये 1 लाख रुपीज़ कितने महीने के लिए था बेटा? प्रथम, मेरी आवाज़ में थोड़ा दम कहाँ, दम ना वो है, कहाँ हो सर, कह रहे आकाश. बेटा मैं यहीं पे हूँ. अरे सुनो, 1 लाख का 9% कितने महीने के लिए बेटा? 4 महीने के लिए. 4 महीने के लिए, फाल्गुनी बोल रहे, 4 महीने के लिए. सुनो मेरी बात, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने के लिए. बेटा फाल्गुनी, आप ये देखो, ईयर शुरू कब हो रहा है? ईयर 1 जनवरी को शुरू हो रहा है ना. 1 जनवरी से 30 जून कितने महीने हो गए बेटा? 6 महीने. हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स, करेक्ट. उसके बाद आपका बैलेंस कितना हो गया बेटा? 1,30,000. कितना हो गया? 1,30,000. हाँ सर, हाँ. क्या ये दोबारा चेंज हुआ क्या? हाँ सर, ये दोबारा चेंज हुआ है. अनदर 20,000 ऑन 31st October 2019. अनदर 20 ऑन 31st October. तो बेटा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्या ये 4 महीने हो गए? अरे बेटा क्या ये 4 महीने हो गए? हाँ सर, हाँ. बस कितने हो गए? 4 मंथ्स. क्या शिल्पा में हमें बस इतना करना है? हाँ, इतना ही करना है. 1 लाख का 9% फॉर 6 मंथ्स कितना आ जाएगा? 4,500, ठीक है. प्लस 1,30,000 का 9% फॉर 4 मंथ्स, क्या ये 3,900 आ रहा है क्या? रुको ना. ओ सॉरी सॉरी सॉरी. अच्छा, ये तो भूल गए हम. अरे माई मिस्टेक सॉरी सर. अभी हम भूल गए. क्या भूल गए? कि सर ये 20,000 है, तो अब कितना हो गया? 1,50,000. इसको तो भूल गए. कितना हो गया सर? 1,50,000. हाँ, इसका 9% कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए. अरे कितने महीने के लिए बेटा? 2 महीने के लिए. कैसे? नवंबर और दिसंबर. नवंबर और दिसंबर, राइट. तो 1 लाख का 9% फॉर 6 मंथ्स, इसको मेमोरी में डाल देंगे. 1,30,000 का 9% फॉर 4 मंथ्स, इसको भी मेमोरी में डाल देंगे. 150 का 9% फॉर 2 मंथ्स. अरे क्या आपका 10650 आ रहा है क्या सब बच्चों का? अरे क्या सब बच्चों का 10650 आ रहा है क्या? एवरीबडी आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ आ रहा है. गोयल कह रहे बेचारे ने पैसे लगाया. सॉरी बेटा शिल्पा, आई एम रियली सॉरी, ठीक है. अरे बेटा संजू पे आते हैं. आ जाओ जरा संजू का देखते हैं. किसका देखेंगे? संजू का. अब संजू का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 1,60,000. अरे संजू ने कुछ किया ही नहीं. संजू ने 1,60,000 लगाया और खत्म. खत्म सर, खत्म. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 14,400. आई होप अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ में आ गया होगा. बेटा मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, जो बुक में नहीं है वो भी समझा दिया. बस एक टॉपिक बचा. एक्सक्यूज मी बेटा, सॉरी, ये मेरा कफ ना ठीक ही नहीं हो रहा है. हाँ जी, इसके बाद चले बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस सुनो मेरी बात अब ध्यान से. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने आ चुकी है. आ चुकी है, हाँ राइट, ठीक है. गोयल बेटा, मेरी तबीयत तो मुझे खुद नहीं पता मेरी ठीक कब होगी, तो जितनी क्लास हो पा रही है उतनी कर लेते हैं, ठीक है. आ जाओ फटाफट से. देखो सर, हमने मेन मेन चीज़ें जो पढ़ी है मैं आपको याद करवाता हूँ. सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए. हाँ या ना बेटा? पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तभी मिलेगा जब वो एग्रीमेंट में मेंशन होगा. अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हाँ सर. दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, प्रॉफिट इज अवेलेबल.
क्या बढ़ा सर? प्रॉफिट इज अवेलेबल, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे। क्या आप लॉस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे क्या? अरे अगर लॉस नहीं है तो बताओ ना। कृष्णा, प्रोडक्ट मेथड जो उन्होंने दिया है ना बेटा, उसको इग्नोर मारो, आप उसको इग्नोर मारो। हाँ या ना? अरे प्रॉफिट बताओ ना। नहीं ना, राइट। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है। क्या हो सकती है? मान लो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। अरे सुनो ना। हाँ, प्रथम अगर चार्ज मेंशन्ड होगा तो देंगे, वैसे तो नॉर्मली नहीं देंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो आपका कितना आया। मान लो दो पार्टनर है, ए और बी। कितने पार्टनर है सर? दो पार्टनर्स है, ठीक है। ए का मान लो 10,000 और इसका मान लो 15,000, ठीक है। और आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है सर। कितना अवेलेबल है? कितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है? 12,000। ध्यान से सुनो, ठीक है। अब बच्चे कुछ यहाँ पे चार्ज मेंशन कर रहे हैं, सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला? प्रॉफिट इज अवेलेबल, ठीक है। मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका नॉर्मली क्या होता है? अप्रोप्रिएशन। आपका नॉर्मली क्या होता है बेटा? अप्रोप्रिएशन। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ। अरे लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। क्या गिवन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो बेटा इसका मतलब क्या है? मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ा दिया है, राइट। चार्ज का मतलब क्या है? प्रॉफिट हो या ना हो, आपको देना ही पड़ेगा। यस नो? इवन इन केस ऑफ लॉस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, लेकिन ये तब होगा जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा। हाँ या ना? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा बेटा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे? बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कि वो क्या है? अप्रोप्रिएशन। मतलब प्रॉफिट होगा तभी देना है, नहीं तो नहीं देना है, राइट। अब मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं कि आपने पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, राइट, ठीक है। कितना आ गया सर? 25,000। अब आपके पास प्रॉफिट है लेकिन सफिशियंट नहीं है सर। मतलब कि देखो, प्रॉफिट तो अवेलेबल है लेकिन पूरा अवेलेबल नहीं है। बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो इस केस में क्या करेंगे बेटा? अरे मुझे बताओ ना, इस केस में क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेटली। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो। इस केस में क्या करेंगे सर? सुन लो, आपके बुक में जो लिखा है ना, मैं आपको वो समझा रहा हूं। आपके बुक में क्या लिखा है सर? आपके बुक में लिखा है, इस केस में प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इन द कैपिटल रेशियो। सर मतलब, अरे मतलब वही है बेटा। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या मतलब है इसका? सुनो, मान लो ए और बी का कैपिटल कितना है? मान लो 1 लाख और 1,50,000। अच्छा ठीक है, 1 लाख और 1,50,000। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। तो बेटा मेरी बात सुनो, जो भी आपका प्रॉफिट अवेलेबल है 12,000, ये अब क्या करोगे? आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट तो दे नहीं सकते, नहीं दे सकते। हाँ, तो ये प्रॉफिट आप क्या करोगे? कैपिटल के रेशियो में बांटोगे। लेकिन सर क्यों? अब सुनो ध्यान से। मान लो ये आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन है। क्या है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। हाँ ठीक है। क्या है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन है। यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आ रहा है बाय पीएनएल अकाउंट कितना आ रहा है? 12,000। हाँ, अब आपने ये 12,000 डिस्ट्रीब्यूट तो करना है लेकिन पूरा नहीं है। हाँ, तो पहले आप इंटरेस्ट दोगे। अब इंटरेस्ट देने के लिए पूरा पैसा नहीं है। तो आपने 12th में क्या पढ़ा था सर? हमने 12th में पढ़ा था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में ही बांट देते हैं। आपने 12th में क्या पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। 12th में आपने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में ही बांट देते हैं। याद है आपको कि सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो आ रही है उसी में बांट दो। यस और नो? जितना आपके पास अवेलेबल है आपको उतना बांटना है, बांट दो, लेकिन उसी रेशियो में। मतलब सर, मतलब बेटा, अगर आपने ए को 10,000 रुपये देने हैं, हाँ, बी को 15 देने हैं। अब आपके पास पूरे पैसे तो नहीं है, तो इनकी रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो? रेशियो। रेशियो क्या आ जाएगी सर? 2:3। क्या आ जाएगी सर? 2:3। आप ये 12,000 2:3 में बांट दो। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी,
क्या करेंगे सर, इस 12,000 को 2:3 में बांटेंगे, 2/5 और 3/5, जो भी आपका आएगा, राइट, जो भी आपका आएगा, जैसे बच्चों ने बताया 48 और 72, आपने ये 12th में पढ़ा था। अब यहां पे इन्होंने क्या लिखा, इन द कैपिटल रेशियो। बेटा बात तो एक ही है, कैसे सर, अगर आप कैपिटल रेशियो निकालोगे, अगर आप कैपिटल रेशियो निकालोगे तो वो भी 2:3 ही आएगी। अरे बात तो वही है ना, आप कैपिटल की रेशियो में बांटो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांटो, बात तो वही है, रेशियो सेम ही आएगी। क्या आएगी, सेम आएगी। तो 100 बात की एक बात, क्या बात सर, अगर आपका प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है, इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशियंट, इज नॉट सफिशियंट, अच्छा ठीक है, इज नॉट सफिशियंट, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो, इन द कैपिटल रेशियो। प्रथम बेटा किस बात पे नो बोला है आपने, मुझे फटाफट से बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? अरे फटाफट से बताओ क्या आपको समझ में आया? एवरीबडी क्लियर? अब बेटा आपके बुक में ना छोटी सी लाइन दे रखी है, बस मैंने आपको वही बताया। नहीं, अरे प्रथम ने एक बात पूछी है, अरे मेरी बात सुनो, प्रथम ने एक बात पूछी है सर, ऐसे कैसे कैपिटल रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग आएगा। मेरी बात सुनो बेटा, कैपिटल रेशियो आप वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, कैपिटल रेशियो कौन सी है जो हमने सीखी बेटा, ये कैपिटल रेशियो। अगर बेटा अगर आपके पास एडिशनल कैपिटल है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ, सुनो सुनो सुनो। मान लेते हैं एक पार्टनर मान लेते हैं सर, दो पार्टनर्स हैं, लेट्स से एक पार्टनर है सौम्य, ठीक है, और एक पार्टनर है सत्यम, ऑल राइट। अब क्या हुआ है सर, अरे क्या हुआ है बताओ ना, देखो 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 क्या हुआ सर, 1 अप्रैल 2022 आपका कैपिटल का बैलेंस कितना है सर, आपका कैपिटल का बैलेंस है लेट्स से 1 लाख, और 1 अप्रैल 2022 बैलेंस कितना है, लेट्स से 50,000, ऑल राइट। आपने क्या किया है सर, 31 अक्टूबर 2022 को आपने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया, एडिशनल कैपिटल कितने का, 20,000 का, ऑल राइट। और इन्होंने 31 दिसंबर 2022 को एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया कितना, 10,000, ठीक है, राइट। उसके बाद 31 जनवरी 2022 को विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना, 10,000 विड्रॉल। अब हो सकता है आंसर पॉइंट्स में आ जाए बेटा, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है सर, आपने भी 31 जनवरी 2022 को विड्रॉ कर दिया, कितना सर, लेट्स से कितना, 20,000, ऑल राइट। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, राइट, आपको क्या निकालना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ओके, कितना, 12% पर है ना। आपको कैपिटल रेशियो निकालनी है, क्या निकालनी है सर, आपको कैपिटल रेशियो निकालनी है, फटाफट से निकालो, एवरीबडी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा आपकी, फटाफट से करो। हाँ जी, करो भाई करो, फटाफट से करो। कैपिटल रेशियो 11:4 फाल्गुनी की, ठीक है,
जल्दी करो बेटा, आगे भी करना, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करनी है। ये चैप्टर हमें एनी हाउ कल फिनिश करना है, एनी हाउ। बेटा फटाफट करो, क्या टाइम लगा रहे हो तुम, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम? अगर सौम्या की बात करें, प्रथम ने दो आंसर दिए हैं, अपने ही आंसर्स को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। ओके देखो फटाफट से, सब बच्चे देखेंगे फटाफट से, ठीक है? यहाँ आपने क्या लिखा सर? कैपिटल, अमाउंट और प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले कितना है सर? 1 लाख। कितना? 1 लाख। कितने मंथ्स के लिए है सर ये? ये तो 6 महीने हो गए, कितना आ गया? 6 लाख। उसके बाद कितना हो गया? 1 लाख 20। कितना हो गया सर? 1 लाख 20। कितने मंथ्स के लिए है ये आपका? आई थिंक 3 महीने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 3 लाख 60। देन ये कितना हो गया? 1 लाख 10। 1 लाख 10 हो गया। कितने मंथ्स के लिए? 2 महीने के लिए। कितना हो गया? 2 लाख 20। बेटा इतना तो आसान था, आप क्या टाइम लगा रहे हो? आप क्या टाइम लगा रहे हो बेटा, बताओ ना मुझे कि क्या टाइम लगा रहे हो आप? इसको करेंगे सॉल्व, 6 लाख 360 220, 11 लाख 80, है ना? ये आ रही है, हाँ सर ये आ रही है। सिमिलरली हम किसका निकालेंगे सर? सिमिलरली हम निकालेंगे किसका? सत्यम का। बेटा आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी, आप बहुत स्लो कर रहे हो। 50,000 है, हाँ सर हाँ। कितने मंथ्स हो गए? आई थिंक 9 महीने हो गए। 45,000, 4 लाख 50,000। इसके बाद कितना हो गया सर? 60,000। 1 महीना 60,000, राइट। देन 20,000 आपने विड्रॉ करे, तो बेटा कितना आ जाएगा? 40,000। कितने मंथ्स के लिए? 2 महीने के लिए, राइट। अरे सॉरी, कितना आ जाएगा? 40,000, 80,000, ठीक है। 4 लाख 50 प्लस 60 प्लस 80, 5 लाख 90। मुझे फटाफट से बताओ क्या यहाँ तक सबका आया क्या? बेटा फटाफट से बताओ ना क्या यहाँ तक सबका हुआ क्या? ये आपके क्या आ गई है सर? इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे बोलो ना प्लीज, अरे प्लीज बोलो ना यार। एवरीबडी, बेटा कहाँ सो गए हो आप? यस सर, समझ में आया? अच्छा ठीक है बेटा, अगर मैं कैपिटल रेशियो की बात करूंगा, किसकी? कैपिटल रेशियो की, कैपिटल रेशियो की बात करूंगा, तो वो कितनी आ जाएगी? अगर आप देखोगे तो वो आ जाएगी 2:1। आ रही है क्या सबके कैपिटल रेशियो? कृष्णा, क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अच्छा ठीक है, इसको सितंबर कर लो। अरे इसको सितंबर कर लो, ठीक है? यहाँ पे सितंबर कर लो बेटा। ऑल राइट, ठीक है कृष्णा, आप ठीक है? अरे यहाँ तक हो गया बेटा, यहाँ पे मैंने अक्टूबर लिखा हुआ था, उसको सितंबर कर लो। यहाँ तक डन है बेटा, किसी को डाउट है तो पूछो ना यार। हम इतनी देर से क्लास कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लो कैसे हो सकती है? एवरीबडी फटाफट से बताओ, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा सर, क्या निकालूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ ना, अगर हम किसका करेंगे? सौम्या का। किसका करेंगे बेटा? सौम्या का। 11 लाख 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये कितना आएगा? अरे ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आएगा 11,800, यही आएगा? हाँ सर हाँ, राइट, ठीक है ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद सत्यम की बात करते हैं। सत्यम का कितना आएगा सर? सत्यम का कितना आएगा?
5,90,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 1/12, ये कितना आ जाएगा 5,900। तो बेटा अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो भी देखोगे, क्या वो भी 2:1 आ रही है? हाँ, अलग कैसे आएगी? बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो बेटा इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है, इसीलिए इन्होंने क्या लिखा कि अगर प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है, अगर आपके प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। अब सबके डाउट क्लियर हो गए बेटा? क्या अब सबके डाउट क्लियर हो गए हैं? हाँ सर, हाँ राइट। क्या हम आगे चले? हम आगे चले क्या? यस सर, आ जाओ फटाफट से एक बार, आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म कर लेते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खत्म कर लेते हैं बेटा, इसके बाद दो ही टॉपिक बच जाएंगे, वो हम कल कर लेंगे। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निपटा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ड्राइंग्स कौन सी होनी चाहिए बेटा? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कौन सी? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यस और नो? अगर अगेंस्ट कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना होता है, ये बात समझ में आती है? हाँ सर, हाँ ये बात हमको समझ में आती है। अब मेरी बात सुनो, जो ड्राइंग्स है ना, जो ड्राइंग्स है, जैसे हमने सुनो सुनो सुनो, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है उसी तरीके से आप ड्राइंग्स भी निकाल सकते हो बेटा। जो हमने मेथड फॉलो किया उससे आप कोई भी इंटरेस्ट निकाल सकते हो सर। मतलब मान लेते हैं कि हमारी एक पार्टनर है अपराजिता, ठीक है? अपराजिता हमारी एक पार्टनर है, ऑल राइट। अब सुनो, उन्होंने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है, मतलब ड्राइंग्स करी है सर। कब कब करी है? लेट्स से 30th जून को विड्रॉ किया, कितना? 10,000 रुपीज़। अच्छा ठीक है, ओके। फिर 30th सितंबर को विड्रॉ किया, ओके सर, ओके। कितना सर? लेट्स से 20,000 रुपीज़, ओके। फिर 1st ऑफ दिसंबर को विड्रॉ किया, 1st दिसंबर को विड्रॉ किया, कितना? 10,000। अच्छा, अगर आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 12% पर एनम। क्या आप इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अरे क्या आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो? हाँ सर। कैसे निकालेंगे बेटा? बहुत आसान है, देखो आप मेरी बात सुनो ना, इंटरेस्ट निकालने का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसको निकालने के भी तीन तरीके हैं, तीन तरीके। हाँ सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा सिंपल मेथड की, किसकी बात करूँगा? सिंपल मेथड की। तो सुनो सारे बच्चे ध्यान से, सिंपल मेथड को ध्यान से सुनो। हाँ सर, अगर आपने 30th जून को 10,000 रुपये निकाले हैं, तो मुझे बताओ आपने जो पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा लिया कब लिया? 30th जून को। कब लिया? 30th जून को। आपका ईयर कब एंड हो रहा है? 31st मार्च को। तो मुझे बताओ आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देना चाहिए? अरे मुझे बताओ ना, आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देना चाहिए बेटा? अरे बहुत सिंपल है ना बेटा, अगर आप 30th जून को विड्रॉ कर रहे हो, यस और नो? तो पार्टनरशिप हम क्या बोलेगी? बेटा तूने मुझसे 30th जून को पैसा लिया, हाँ या ना? अब तुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 9 महीने का। इसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा? आपने पार्टनरशिप फर्म से 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, हाँ, कब? 30th जून को, यस और नो? अब अगर ये पैसे पार्टनरशिप फर्म के पास होते तो बेटा वो इन नौ महीने में क्या 10,000 रुपये यूज करके और पैसा कमा सकती थी? हाँ, आपने पार्टनरशिप फर्म से 10,000 रुपये निकाल लिए, कब? 30 जून को। तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास इस साल 9 महीने के लिए 10,000 रुपये कम थे, सही बात है? तो आपको 9 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर। मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12 प्लस आपने 30th सितंबर को 20,000 रुपये निकाले हैं, कितने सर? आपने 30th सितंबर को 20,000 रुपये निकाले हैं, 12% के हिसाब से कितने महीने होते हैं? 6 महीने। 30th सितंबर से 31st मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने, हाँ सर, हाँ। सिमिलरली आपने 10,000 विड्रॉ किया, 12% के हिसाब से 1st दिसंबर को कितने महीने बच गए? 4 महीने। बस आपका क्या आ जाएगा बेटा? इंटरेस्ट आ जाएगा। एवरीबडी क्या आपका इंटरेस्ट आ जाएगा? बोलो ना, अरे बोलो ना, बोलो ना। हाँ सर, हाँ। दूसरा सर प्रोडक्ट मेथड, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सर?
प्रोडक्ट मेथड। अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट मेथड अभी हम सीख कर आए हैं बेटा, अभी सीख कर आए। आ जाओ देखो, यहां पे आप क्या लिखोगे, अमाउंट। यहां आप क्या लिखोगे, अमाउंट, ठीक है। यहां आप लिखोगे मंथ्स, और यहां आप लिखोगे प्रोडक्ट। क्या लिखोगे, प्रोडक्ट। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। पहला अमाउंट आपने पहला अमाउंट कितना विड्रॉ किया आपने, 10,000। अब इस 10,000 पे आपको कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना है सर, 9 महीने का। तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 90,000, राइट। सिमिलरली सेकेंड अमाउंट आपने 20,000 विड्रॉ किया है, हाँ। कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना है आपको, 6 महीने का। कितना हो गया, 1,20,000। सिमिलरली 10,000 विड्रॉ किया, 4 महीने का आपको पे करना है, कितना हो गया, 40,000। क्या कुछ अलग है, नहीं। अरे बेटा मैं वही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वही कॉमन चीज़ें ले रहा हूँ। कॉमन चीज़ें कौन सी ले रहा हूँ, यहाँ पे आपका रेट कॉमन है, हाँ, और यहाँ पे आपका 1/12 कॉमन है। ये हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट निकाला, जैसे कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा, 9। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 बचा, बाकी ये चीज़ें मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी, हाँ। तो यही तो कर रहा हूँ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 90,000, हाँ सर, हाँ, राइट, बिल्कुल सही। इसके बाद प्लस नेक्स्ट क्या है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6, हाँ यही तो किया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, बेटा यही तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अरे मैं यही तो कर रहा हूँ, सही बात है। टोटल कितना आ जाएगा बेटा इनकम, किसी ने मुझे टोटल नहीं बताया। अच्छा बताया, 2,50,000। कितना आ जाएगा, 2,50,000। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय जो आपका रेट था कितना, 12%, यस, मल्टीप्लाई बाय 1/12, बस 2,500, हाँ 2,500 आ जाएगा, ठीक है। मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये दोनों मेथड आपको क्लियर है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, दोनों एक से हैं, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, बात तो वही है। यस सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नेक्स्ट मेथड सुनो, हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मेथड हम जनरली कब यूज करते हैं, अरे सुनो ना, ठीक है, जनरली कब यूज करते हैं सर, जब आपकी इररेगुलर ड्राइंग होती है। क्या होती है, इररेगुलर ड्राइंग्स। सर इररेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, इररेगुलर का मतलब होता है जब जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ किया है, ठीक है, उसका अमाउंट सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट अमाउंट है, आपने जो भी विड्रॉ किया है उसका डिफरेंट अमाउंट है, और आपने जब भी विड्रॉ किया है उसमें इंटरवल अलग है। सर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने यहाँ पे जो विड्रॉ किया बेटा, जो विड्रॉ किया है, कहाँ गया ये देखो, आपने 10,000, 20,000, 10,000 अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करी है, इसको बोलते हैं इररेगुलर। और जो आपका टाइम इंटरवल है वो भी अलग है, मतलब पहले आपने 30 जून को किया, हाँ, उसके बाद आपने 6 महीने बाद किया, फिर 2 महीने बाद किया, नहीं, आपका हर ड्राइंग के बीच का जो टाइम पीरियड है वो अलग है। इसका मतलब रेगुलर ड्राइंग क्या होती है, जैसे कि आपने आपने हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ किया, मैंने क्या बोला, जब आप हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ करोगे सेम अमाउंट, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, कहने का मतलब क्या है, जब सेम अमाउंट होगा, क्या होगा, सेम अमाउंट, और आपका सेम इंटरवल होगा, सेम टाइम इंटरवल, मतलब हर ड्राइंग के बीच में जो आपका टाइम पीरियड है वो सेम होगा। अच्छा ठीक है, इसको बोलेंगे हम रेगुलर ड्राइंग। और रेगुलर ड्राइंग के लिए एक अलग सा फॉर्मूला हमारा बन सकता है, क्या मेरी बात आपको समझ में आई, एक अलग सा फॉर्मूला बन सकता है, क्लियर है ये बात। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखो, अरे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने डेट लिखा, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा, ठीक है, डेट लिखा, अमाउंट लिखा, मान लो आप क्या कर रहे हो सर, फर्स्ट अप्रैल आपने कितना विड्रॉ किया, लेट्स से 1,000, ठीक है। आप अब हर महीने के बिगिनिंग में 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, हर महीने के बिगिनिंग में 1,000 रुपये विड्रॉ करोगे, कब तक करोगे सर, कब तक करोगे, 1 मार्च तक,
कब तक? 1 मार्च तक। अब ये आप सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, हाँ या ना? आप प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। सिंपल मेथड में भी बहुत टाइम लगेगा, प्रोडक्ट मेथड में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आया, ध्यान से मेरी बात सुनो। हम क्या करेंगे, अब एवरेज मेथड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम एवरेज मेथड यूज़ करेंगे। सर कैसे? सुनो ध्यान से, ध्यान से सारे बच्चे बात सुनो। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर रहा होता, अरे सुनो क्या कर रहा होता, प्रोडक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला क्या है सर? 12%। अरे क्या है सर, सुनो ना, राइट? ठीक, एग्जाम में कौन सा मेथड यूज़ करें सर? बेटा कोई भी करो जो आपको आसान लग रहा होगा। अगर ज़्यादा, अगर आपकी रेगुलर ड्राइंग है तो ये वाला करना है, रेगुलर ड्राइंग है तो ये वाला करना है, सिंपल सी बात है। सुनो ध्यान से, 12% है, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 1/12, हाँ। अब प्रोडक्ट मेथड में आप क्या करते हो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, हाँ, प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 11, यही तो करोगे। ये 12 महीने के लिए, ये 11 महीने के लिए, ये उसके बाद आप प्लस, उसके बाद ये सब, अरे यही सब करोगे क्या? हाँ यार, क्या आपको बहुत टाइम लगेगा? हाँ सर, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बात समझ रहे हो सर, क्या लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, एक नया फॉर्मूला आया है। क्या आया, देखो ध्यान से। आपको क्या बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे, जो भी आपने टोटल ड्राइंग्स करी है, क्या करी है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। हम अब एवरेज पीरियड निकालेंगे अपॉन में 12, ये आया है। अच्छा ठीक है सर, ये कहाँ से आया है? अरे सर ये कहाँ से आया है? अच्छा राइट, बेटा एक फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? अगर मुझे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी का भी सम निकालना होता है तो उसका सम होता है n+n+1/2। मतलब अगर कोई नंबर्स हैं सीरियल में, अरे किस में सर? सीरियल वाइज कोई नंबर है। मैं अगर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी प्रोडक्ट की, सुनो बेटा, अगर आप देखोगे, 12, 10, 11, ये 9, 8, 6, है ना? क्या है सर, क्या ये ऐसा है? हाँ ये ऐसा है, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, इसका ना सम निकल सकता है। क्या निकल सकता है? सम, एवरेज। जो बच्चे मैथ्स के उनको पता होगा सर कैसे, n+1/2, हाँ या ना बेटा? क्या ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो इसका मतलब, अरे मेरी बात सुनो ना, अरे कितने नंबर है सर, टोटल नंबर कितने हैं? 12। टोटल नंबर कितने हैं सर? 12, 12 है ना टोटल, टोटल 12 महीने, हाँ। मल्टीप्लाई बाय n+1 कितना हो गया? 13। अरे आप मुझे बताओ ना सर, n+1 कितना हो गया, आप बताओ ना सर कितना हो गया, राइट? अच्छा यहाँ, अरे सुनो 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 बेटा, ध्यान से सुनो, अपॉन 2 आएगा, हाँ सर हाँ, क्या आएगा? अपॉन 2 आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5 एवरीबडी? अरे क्या मैं बोल सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5? अरे 13/2 है ना बेटा, 13/2, हाँ सर हाँ, 13/2 कितना हो गया? 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5, हाँ। ये बात समझ में आती है? तो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो 12 है ये कहाँ जाएगा सर? जो भी आपकी क्या है, मंथली ड्राइंग सर, क्या है? मंथली ड्राइंग, ये उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और आपका आता है टोटल ड्राइंग्स। मैं आपको थोड़ी सी डेरिवेशन बता रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर? बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, हाँ आप बेटा बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। अरे क्या आपको डेरिवेशन जाननी है या मैं स्किप कर दूं? आप कहोगे तो मैं 5 मिनट में आपको समझा दूंगा इसकी डेरिवेशन। अरे ये देखो यार, ठीक है, प्रथम कह रहा है करनी है, बता दीजिए सर। चलो भाई, क्योंकि 12th में तो आपको पता चला नहीं था। सुनो मेरी बात सुनो, अगर बेटा हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, सुनो मेरी बात, प्रोडक्ट मेथड, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, जो बच्चे मैथ्स वाले नहीं है बेटा ज़्यादा घबराना मत, ठीक है? प्रोडक्ट मेथड अगर मैं लगाता हूँ तो कैसे निकालेंगे सर? प्रोडक्ट मेथड में कैसे निकालेंगे? हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कैसे? सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट मेथड में मैं क्या करूँगा, इन सब को मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ
बिल्कुल, और टोटल करूंगा, मतलब सर मैं क्या करता हूं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, हाँ, प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 11, हाँ जी, प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे करता रहता हूँ, हाँ सर हाँ, ऐसे करता रहूंगा, बिल्कुल करता रहूंगा, ठीक है। ये तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट, जो आपका यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आता है, मल्टीप्लाई करता हूँ रेट से 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12। बेटा क्या ये प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने लिखा है? एवरीबडी पहले मुझे एक बार बताओ, क्या मैंने प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखा है? हाँ, अरे प्रोडक्ट मेथड में यही होता है ना भाई, क्या होता है सर, आप इसको करते हो अमाउंट को मल्टीप्लाई, अमाउंट को मल्टीप्लाई और टोटल को प्लस करते हो, हाँ सर यही किया। बेटा मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो आपने ये ब्रैकेट में लिखा है, क्या जो आपने ये ब्रैकेट में लिखा है, क्या इसमें 1000 कॉमन है? क्या ये सब में 1000 कॉमन है क्या? हाँ यस और नो, क्या मैं इस 1000 को भी कॉमन निकाल लूं? हाँ सर हाँ। तो क्या बच जाएगा, ध्यान से सुनो, अगर मैं 1000 को भी कॉमन निकाल लूंगा, कॉमन निकाल लूंगा, ध्यान से सुनो, क्या बचेगा फिर, 12 यस और नो, प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8, ऐसे ऐसे देखो पूरा बचेगा, 9 प्लस 7 प्लस 6 5 4 3 2 1, अरे क्या यही बचेगा? हाँ, जो भी आपके यहाँ पे मंथ्स आएंगे बेटा, जो भी आपके यहाँ पे मंथ आएंगे वही बचेंगे, हाँ सर हाँ। अब बाहर क्या आएगा, आपने 1000 को बाहर कॉमन ले लिया, राइट, मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12, क्या यही है? हाँ सर यही है। अरे बोलो बेटा क्या यही है? हाँ यही है। अब सुनो मेरी बात, इसको सम करना है, हाँ सर हाँ, इसको सम करना है। आपको पता है सम ऑफ एन नंबर्स, जब कोई नंबर सीक्वेंस में होते हैं, सम ऑफ एन नंबर्स जब सीक्वेंस में होते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1/2, अरे ये आपने बचपन में पढ़ा था। इसको सम कैसे करते हैं, इसको सम करते हैं एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1/2। अब सबको सम करने मत बैठ जाना, यही करते हैं, हाँ सर हाँ यही करते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1/2 यही करते हैं, बिल्कुल यही करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एन कितने हैं सर, 12 नंबर है, कितने हैं सर, 12, हाँ, मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1 कितना हो गया, 13, हाँ सर हाँ, डिवाइडेड बाय 2, ये टोटल डिवाइडेड बाय 2 है, हाँ, ये आपके ब्रैकेट में था, मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 12% और मल्टीप्लाई बाय 1/12, क्या मैंने कुछ अलग किया, नहीं। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे सुनो ना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 13/2 कर दिया ना, क्या लिख दिया मैंने, 6.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ध्यान से बच्चे देखेंगे, फॉर्मूला बन चुका है, देखो सुनो मेरी बात, सुनो, 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये क्या हो गया सर, अरे सुनो मेरी बात, 12 ये क्या है सर, नंबर ऑफ मंथ्स, इस 12 को मैं क्या लिख रहा हूं, इस 12 को मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मंथ्स, हाँ, 1000 क्या था सर, मंथली ड्रॉइंग्स, मंथली ड्रॉइंग्स, नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई बाय मंथली ड्रॉइंग्स, क्या यहां पे इसको मैं टोटल ड्रॉइंग लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी आ गई, 12000, हाँ या ना एवरीबडी, अरे बेटा बोलो ना, हाँ सर हाँ, 12000 मल्टीप्लाई बाय 6.5, यस सर यस, मल्टीप्लाई बाय 6.5, हाँ सर हाँ, ये 1/12 को इसके नीचे लिख दूं क्या मैं, 6.5/12, बेटा ये जो 1/12 है ये मैंने इसके नीचे लिख दिया, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 12%, क्या आपने 12th में यही फॉर्मूला सीखा था, हाँ सर हाँ, क्या सीखा था, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन में 12 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा, जिनको समझ में आया अच्छी बात है, आपने एक नई चीज सीख ली है, नहीं समझ में आया तो कोई लॉस नहीं है, ठीक है। देखो इस डेरिवेशन को देख के बेटा 5 बच्चे भाग गए, इस डेरिवेशन को देख के 5 बच्चे भाग गए, कोई बात नहीं, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब हर बारी मैं ये एवरेज पीरियड ऐसे नहीं निकालूंगा,
अब एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला निकल गया है, ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला है, क्या है सर? देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग्स, आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, अच्छा ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग्स, आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय टू। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूले को मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, आपकी पहली ड्रॉइंग कब हुई है सर? 1 अप्रैल को। कब हुई है? 1 अप्रैल को। हाँ ठीक है, पहली ड्राइंग से आपकी 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग से 31 मार्च तक कितने महीने हैं सर? 12 महीने। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब करी आपने? 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने? 1 महीना। कितना है बेटा? 1 महीना डिवाइडेड बाय टू, कितना आ गया ये? 6.5। बस तो आपको क्या निकालना है? आपको बस एवरेज पीरियड निकालना है। बात समझ में आ गई बेटा? मुझे फटाफट से बताओ, क्या यहां तक क्लियर है क्या? ओ हो, फटाफट से बताओ यार। क्या यहां तक क्लियर है? बेटा पढ़ाने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। यस सर, क्लियर? ओके, आओ फटाफट से इसके बाद देखो। अरे अगर आपको क्लियर है ना, अगर आपको क्लियर है तो देखो ध्यान से। 12th में ना याद किया था सारा फॉर्मूला। हाँ बेटा, आपने याद तो किए थे, अब मैंने आपको समझा दिया। आ जाओ, बिगिनिंग, अब ध्यान से सुनो, मैं आपको लिखवा रहा हूँ बिगिनिंग, मिडल और एंड। ठीक है, आ जाओ मंथली। अरे सुनो 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 फटाफट से, आओ क्वार्टरली और हाफ ईयरली। सर अब इसका मतलब क्या है? हेडिंग डालो एवरेज पीरियड। ठीक है, हेडिंग डालो एवरेज पीरियड। हाँ जी, ध्यान से सुनो ध्यान से। अगर आप मंथली ड्राइंग्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर? मंथली ड्राइंग्स कर रहे हो क्या? मंथली, हाँ। तो अगर आप हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ करोगे तो फटाफट से मुझे बताओ एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6.5। सर कैसे आएगा? कैसे आएगा? देखो देखो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आ जाओ, हाँ जी देखो सर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे सर? फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग आपने कब करी? 1 अप्रैल, आखिरी 1 मार्च, डिवाइडेड बाय 2, 6.5। कितना आ गया? 6.5। हाँ, अगर आपने मिडल में किया है, हर महीने के मिडल में, बेटा अगर आप हर महीने के मिडल में कर रहे हो तो मतलब क्या है? मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी? 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 11.5, है ना। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? मार्च में, मार्च के 15th पे, 15 मार्च में कितना? आधा महीना बच गया। डिवाइडेड बाय टू कितना आ जाएगा? 6 मंथ्स। कितना? 6 मंथ्स। एंड में करी है तो मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी? 30 अप्रैल को। कब करी होगी सर? 30 अप्रैल को। कितने महीने बच गए? 11 महीने। आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को, तो टाइम बचा ही नहीं है। डिवाइडेड बाय टू 5.5। बेटा ये आप आराम से खुद से करते रहना। क्या आपको समझ में आगे कैसे करना है? अरे बोलो फटाफट से, क्या सबको समझ में आ गया कि कैसे बोल रहा हूं मैं? हाँ सर, हाँ गोयल कह रहा है मिडल नहीं आया। अरे गोयल जी यार, ऐसे ना करो यार। देखो बेटा, मिडल का मतलब हर महीने का मिडल, हर महीने का मिडल हम क्या मानते हैं? हमेशा 15th, हर महीने का मिडल 15th मानेंगे। अगर 15 अप्रैल को विड्रॉ किया तो बेटा 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने बच गए आपके पास? 11.5। कैसी बातें कर रहे हो यार? उसके बाद अब मैं ये थोड़ी सिखाऊंगा कि आप महीने कैसे काउंट करो, ये दिखाऊंगा नहीं। 15 मार्च को आपने कब करी होगी लास्ट ड्राइंग?
कितना महीना बच गया, 11, 0.5 प्लस किया डिवाइड किया कितना आ गया, 6 आ गया ना। अब इसके बाद सुनो मेरी बात सुनो, अगर हम क्वार्टरली की बात करेंगे, आपने क्या किया सर, क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीने। आपने साल को 4 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 3 3 महीने में, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर एक हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक हो गया, जैन फेब मार्च आपका एक हो गया, ठीक है बेटा। अगर मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ किया है, क्या किया है, अगर आपने क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ किया है, बिगिनिंग में, तो मुझे बताओ पहली ड्रॉइंग कब करी होगी। सर पहली ड्रॉइंग तो 1 अप्रैल को ही करी होगी ना, पहले क्वार्टर का पहला बिगिनिंग है ऑफकोर्स, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 11 महीने। अब मुझे बताओ, आखिरी ड्रॉइंग कब करी होगी, आखिरी ड्रॉइंग कब करी होगी, सर लास्ट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, आखिरी ड्रॉइंग लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, आखिरी ड्रॉइंग आपने कब की होगी, 1 जनवरी को। आखिरी क्वार्टर कौन सा है, जैन फेब मार्च, इसका बिगिनिंग क्या है, 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 मार्च, 3 महीने हो गए, डिवाइडेड बाई 2, 7.5। बेटा मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है, ये आपको फटाफट से समझना है। कितना आ गया सर, 7.5, ठीक है ठीक है ठीक है। मिडल हमेशा आपका 6 ही आता है, कैसे, देखो 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 सर, आपने अब हर क्वार्टर के मिडल में करी है, पहला क्वार्टर कौन सा होगा, अप्रैल मई जून, इसका मिडल क्या आ जाएगा, मई का आधा, 15th मई, अप्रैल मई जून का आधा क्या होगा, 15th मई, 15th मई से 31 मार्च, कितने महीने होते हैं, 10.5, सही बात है। और अगर आप देखोगे आखिरी क्वार्टर कौन सा है सर, जैन फेब मार्च, उसका आधा 15 फेब, 15th फेब, 15 फेब से 31 मार्च, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 6 हो गया, हाँ जी बिल्कुल। एंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपने फर्स्ट क्वार्टर का एंड कब होगा, 30th जून, 30th जून से 31 मार्च, 9 महीने। आखिरी क्वार्टर कब होगा सर, जैन फेब मार्च, 31st मार्च, टाइम बचा ही नहीं है, 2, 4.5। मुझे फटाफट से बताओ, समझ में आ गया, एवरीबडी क्लियर है, अरे क्या क्लियर है क्या, हाँ सर हाँ क्लियर है, ओके आ जाओ हाफ ईयर पे आ जाओ। हाफ ईयर का मतलब सर, आपने एक साल को हाफ ईयर में डिवाइड कर दिया, 6 6 महीने, मतलब एक हाफ ईयर आपका क्या हो गया, 1 अप्रैल से 30th सितंबर, ठीक है। दूसरा हाफ ईयर क्या हो गया, 1 अक्टूबर से 31st मार्च, सिंपल, हाँ सर सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बोला जाए, क्या बोला जाए, कि आपने विड्रॉ करा है हाफ ईयर के बिगिनिंग में, आपने हाफ ईयर के बिगिनिंग में, तो बेटा इसका मतलब 1 अप्रैल को, आपने पहली ड्रॉइंग कब करी है, मतलब 1 अप्रैल कब करी है, 1 अप्रैल, हाँ सर हाँ 1 अप्रैल, 12 महीने। आखिरी ड्रॉइंग कब करी होगी सर, सर आपने आखिरी ड्रॉइंग कब करी होगी, दो ही क्वार्टर, दो ही हाफ ईयर है, तो अगले हाफ ईयर के बिगिनिंग में। आखिरी ड्रॉइंग कब होगी सर, 1 अक्टूबर को, कितने महीने बच गए, 6, कितना आ जाएगा ये, अरे कितना आ जाएगा, 12 प्लस 6, 9, राइट, हाँ जी सर बिल्कुल। अब इसके बाद देखो मिडल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मिडल की, अच्छा ठीक है। मुझे बताओ आपने हाफ ईयर के बिगिनिंग में करा है, तो पहले हाफ ईयर का, हाफ ईयर के मिडल में, पहले हाफ ईयर का मिडल कितना होगा, हाफ ईयर का मिडल कितना होगा सर, 6 महीने का हाफ ईयर है, उसका आधा क्या होगा, 3rd महीना, बिल्कुल, तो इसका मतलब 30th जून। अरे बेटा आप देखो ना, पहले हाफ ईयर का मिडल क्या होगा, 30th जून या 1st जुलाई, सही बात है, 30th जून से 31st मार्च, 9 महीने होते हैं, हाँ 9 महीने होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अरे मुझे एक बात बताओ बेटा, आराम से सोच के बताओ, अरे फाल्गुनी जी बेटा, हाफ ईयर का मिडल है, महीने का मिडल नहीं है, सुनो मेरी बात, आपका हाफ ईयर है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, करेक्ट, ये आपका क्या है सर, हाफ ईयर, इसका हाफ क्या करोगे बेटा, अरे हाफ तो यही पे होगा ना, इसका मतलब 30th जून। अरे बेटा सिंपल सी बात है, हाफ ईयर में मान लो 180 डेज है, क्या है 180 डेज, तो इसका हाफ करोगे तो क्या 90 डेज आएगा, मतलब जून का एंड। अब ये सब चीज़ें तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना बेटा, ये अकाउंट थोड़ी है,
ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ आपका लास्ट हाफ ईयर का मिडल क्या होगा। इस हाफ ईयर का मिडल क्या होगा, 31 दिसंबर। क्या होगा 31 दिसंबर, मतलब 3 महीने। अगेन जैसे मैंने बोला मिडल में आपका 6 ही आता है, क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी सर, बात करते हैं एंड की। किसकी बात करेंगे, एंड की। हर हाफ ईयर के एंड में, हाफ ईयर का एंड क्या है, 30 सितंबर। कितने महीने बच गए, 6 महीने। इसका एंड क्या है, 31 मार्च। बच्चे ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, कितना आ गया, 3। मुझे फटाफट से बता दो क्या ये टेबल बिल्कुल क्लियर है आपको, क्या ये टेबल क्लियर है। पक्का एवरीबॉडी, पक्का। हाँ सर हाँ। तो बेटा सुनो मेरी बात, हमारा आधे से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। सर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है सुन लो बेटा, जो बुक में गिवन भी नहीं है वो भी मैंने आपको समझाया। अगर आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या देखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इन्होंने एक्सप्लेन किया ही नहीं है। अच्छा सुनो एक चीज लास्ट, अच्छा लास्ट चीज, लास्ट चीज, अगर आपको बेटा ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती, क्या नहीं होती, डेट गिवन नहीं होती, आपको क्या बोला है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। बेटा मेरी हैंडराइटिंग खराब नहीं है, ये जल्दबाजी के चक्कर में खराब आ रही है, ठीक है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, आपको कोई डेट गिवन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं बेटा, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, हम हमेशा ये मानते हैं कि आपने मिडल में विड्रॉ किया होगा। क्या किया होगा सर, मिडल में विड्रॉ किया होगा, ये एजम्पशन है। क्या है, एजम्पशन है। अगर आपको कोई डेट गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 6 मंथ्स मानेंगे। क्या मानेंगे सर, 6 मंथ्स मानेंगे, ठीक है। अब देखो देखो इसके बाद देखो, अरे देखो इसके बाद देखो बेटा, आ जाओ, अरे एक सेकेंड रुको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये रहा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। एक हमारा टॉपिक रहता है किसका, गारंटी। क्या रहता है सर, गारंटी, ये हमारा रहता है, ये हम करेंगे कल, कल करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ओके। इसके बाद कैपिटल रेशियो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मजे की बात तो ये है, आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब सारे बच्चे क्या करेंगे बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ट्राई करेंगे, अभी नहीं मतलब आज, क्या करेंगे सर, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ट्रस्ट मी आपसे हो जाएगा। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा दिए, पक्का हो जाएगा, पक्का, ठीक है। नहीं होगा तो ऑफ कोर्स हम कल डिस्कस करेंगे, हम कल डिस्कस करेंगे, ऑल राइट, ओके सर ओके। सुनो ना, अरे मेरी बात सुनोगे क्या आप, हाँ सर हाँ, क्या आप मेरी बात सुनोगे, हाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी हो जाएगा बेटा, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही बारी में समझा दिए हैं, राइट। तो क्वेश्चन तो अब आसानी से हो जाएंगे। क्या आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 ट्राई करोगे, हाँ बेटा आप करोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ओके सर ओके, ठीक है कर लेंगे। उसके बाद सुनो मेरी बात, इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 का ही पार्ट है, बस आपको इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने हैं, तो ये भी आपसे हो जाएगा। मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको बोला पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ, बना दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो बना देना, बात समझ रहे हो, हाँ सर हाँ, बन जाएगा, बन जाएगा, हाँ बस 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 आपको 7 तक करना है, इसके बाद मैं कराऊंगा। तो बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमारे इस चैप्टर के दो टॉपिक बचे हैं सर, कौन से, एक तो गारंटी है, हाँ, और एक है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। मजे की बात यह है, पास्ट एडजस्टमेंट आपके स्टडी मटेरियल में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन क्या आपको मालूम है, आपको पता है दिसंबर 2021 में पास्ट एडजस्टमेंट का 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, क्या बात कर रहे हो, हाँ जी, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ज्यादा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके छोड़ दिया, 5 मार्क का क्वेश्चन था। तो ये दो टॉपिक बचे हैं, ये दो टॉपिक हम कल करेंगे और चैप्टर पे लग जाएगा फुल स्टॉप। मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या क्लियर है बेटा, बातें सब बातें क्लियर है, हाँ ओके। आज हमने बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं, आज हमारा मेजर पोर्शन क्लियर हो गया है। फाल्गुनी बेटा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मेरी थोड़े से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो टाइम ना फिक्स नहीं होता है,
टाइम नॉर्मली 11 AM के आसपास होगा कल भी। जो भी बच्चे यहाँ पे नए आए हैं सुनो मेरी बात, आप प्लीज क्या कर लो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। राइट, क्या कर लो सर, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ग्रुप कैसे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, और नीचे आपको एप्लीकेशन का ग्रुप मिल जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं दोनों जगह आपको टाइम अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। मिलेंगे आज आपसे इकोनॉमिक्स की क्लास में। किस में सर, इकोनॉमिक्स की क्लास में, कब, 10:30 PM, 10:30 PM रात को 10:30 बजे। ऑल राइट, ओके गाइज, एडमिशन डेथ है बेटा फाउंडेशन में, क्यों नहीं है, ऑफ कोर्स है बेटा, है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके फाल्गुनी बेटा, चैप्टर हमारा चल रहा है थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। ओके गाइज, बाय एवरीवन, बाय बाय, आपसे मिलेंगे कल। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो बेटा, ताकि बच्चों की भी हेल्प हो और मुझे भी अच्छा लगे। कमेंट कर सकते हो, मिलते हैं आपसे रात को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।